गुड मॉर्निंग, कोई आया अभी? एनीबडी इन? गुड मॉर्निंग दिवाकर, गुड मॉर्निंग ज्योति, कल मैंने आपको डेविएशन बताया था। विशाल गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विशाल, गुड मॉर्निंग साक्षी, लोग धीरे धीरे करके आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग साक्षी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, स्टार्ट करते हैं। अब जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको जो बताया था, एक बार मैं उसका रीकैप करूं, एक बार क्लास को रिवाइज। तो लास्ट क्लास में जो मैंने पढ़ाया था उसका एक रीकैप जो है वो मैं कराने जा रहा हूं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि नाइट रे जो होती है उसके मतलब जो रिफ्लेक्शन के लॉज होते हैं, जो परावर्तन के नियम होते हैं, वो मैंने आपको बताया था। रिफ्लेक्शन के लॉज सबको पता है, पहले से भी पता है लोगों को, मैंने नोट करा दिए थे। रिफ्लेक्शन के लॉज होते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये दो बातें मैंने आपको बताई। उसके अलावा ये बताया था कि अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ई कैप है, नॉर्मल के डायरेक्शन में एन कैप है और रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन में आर कैप है, तो ई कैप क्रॉस एन कैप डॉट आर कैप इज इक्वल टू जीरो। एक ये बात आपको बताई थी। उसका ये बताया था कि r cap is equal to e cap minus twice of the e cap dot n cap into n cap, ठीक है? ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। और लास्ट क्लास में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई थी, डेविएशन। जैसे लाइट रे किसी मिरर पे गिरती है, लाइट रे जब किसी मिरर के ऊपर गिरेगी तो मिरर पे गिरने के बाद ये जो लाइट रे है, ये लाइट रे जब भी किसी मिरर के ऊपर गिरेगी तो मिरर के ऊपर गिरने के बाद ये जो लाइट रे होती है वो डेविएट हो जाती है, अपने रास्ते से भटक जाती है। तो अपने रास्ते से भटक जाती है, तो अगर मान लिया जाए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो पाई माइनस टू आई होगा या 180 माइनस टू आई के बराबर होगा। और इस चीज पे मैंने आपको एक सवाल भी कराया था। सवाल ये था कि अगर लाइट रे जैसे दो मिरर्स दिखाए थे, और अगर लाइट रे उन पर मतलब किसी एक मिरर पे गिरती है और दूसरे मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को रिट्रेस करती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ये एक मैंने क्वेश्चन आपको कराया था। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें नोट्स में आपने नोट कर ली होंगी। हा? किसी को लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था, उसमें कोई डाउट हो किसी को, कुछ बताना हो तो डिस्कस कर सकता है। अगर कोई डाउट है, नहीं डाउट है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बढ़े, स्टार्ट करें, आगे बढ़े। यस सर, यस सर। डेविएशन से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, एक डेविएशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मैं आपको और कराने जा रहा हूँ, ठीक है? एक और डेविएशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन लिखे सब लोग। फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द लाइट रे retraces its path. Find the angle of incidence for which the light ray retraces its path after. Angle of incidence for which the light ray retraces its path after third reflection. Find the angle of incidence for which the light ray retraces its path after third reflection.
as shown in the figure. Find the angle of incidence for which the light ray retraces its path after third reflection as shown in the figure. जो फिगर में दिखा रखा है उस फिगर में आपको बताना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा जिससे कि लाइट ने अपने पाथ को रिट्रेस करे। अब ये फिगर में बनाने जा रहे हो ये फिगर नोट कर ले सब लोग ये फिगर सब लोग बना ले सेम वही पिछला सवाल जैसा था उसमें भी था दो मिरर हैं दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है एक लाइट रे गिर रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिससे कि लाइट रे थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को रिट्रेस करे तीसरा जो रिफ्लेक्शन है उसके बाद लाइट रे अगर अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की क्या वैल्यू होनी चाहिए फिगर बना ली सब लोग पिछले क्वेश्चन में था कि दूसरा रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है थर्ड क्वेश्चन के अंदर ये आ रहा है कि थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद तीसरा रिफ्लेक्शन जो हो रहा है उसके बाद लाइट ने अपने पाथ को रिट्रेस कर बाकी लोग आज रामायण देख रहे हैं क्या क्लास में यूजुअली कम लोग हैं रामायण चल रहा है मेरे घर में तो चल ही रहा है सभी लोग रामायण देख रहे हैं गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग फिगर बना लिए सबने यस सर हाँ क्वेश्चन फिर से एक बार मैं बता देना हूँ मतलब लिख तो आपने लिया ही है फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर व्हिच द लाइट रे रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन तीसरे रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे अपने पाथ को अगर रिट्रेस कर रही है तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बतानी है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा जिससे कि लाइट रे तीसरे रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को रिट्रेस करे सॉल्व करें सब लोग चलिए ऑप्शन दे रहा हूं मैं लिखे ऑप्शन लिखे पहला ऑप्शन लिखे ऑप्शन ए है 15 डिग्री ऑप्शन ए है 15 डिग्री ऑप्शन बी है 30 डिग्री ऑप्शन सी है 60 डिग्री ऑप्शन सी है 60 डिग्री ऑप्शन डी है 75 डिग्री ऑप्शन डी है 75 डिग्री ऑप्शन है 15 डिग्री बी ऑप्शन है 30 डिग्री सी ऑप्शन है 60 डिग्री और डी ऑप्शन है 75 कर लिया सबने नोट सर क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए जी आप लेट क्यों आए थे टाइम चाहिए ना सो ब्रेकफास्ट करें क्या हुआ ब्रेकफास्ट कर रहे थे सर ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो क्लास आपका इंतजार करेगी क्या आगे से नहीं करूंगा मैं रिपीट अभी कर दे रहा हूँ लिखिए जो लोग लिख चुके हैं वो सवाल सॉल्व करें मैं नए लोगों को लिखा दे रहा हूँ फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द लाइट रे रिट्रेसेस इट्स पाथ Find the angle of incidence for which the light ray retraces its path after third reflection. Find the angle of incidence for which the light ray retraces its path after third reflection, as shown in figure. Okay, sir. Find the angle of incidence for which the light ray retraces its path after third reflection, as shown in figure. Figure आपके सामने बनाई है, बनाई लिया होगा. Option है A. 15 डिग्री ऑप्शन बी है 30 डिग्री ऑप्शन सी है 60 डिग्री और ऑप्शन डी है 75 डिग्री ठीक है अब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें इसको सॉल्व करें सभी लोग इस क्वेश्चन
सर 30 डिग्री आ रहा है। 30 आ रहा है? यस ओके 30 डिग्री सर। मतलब आप आपका आंसर जो आ रहा है वो बी आ रहा है। यस सर। लेकिन ये तो कल भी आया था, कल दो रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस कर रही थी तब भी 30 आया था, आज तीन रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस कर रही है तब भी 30 आ रहा है, ऐसा क्यों? बताइए। 30 तो लास्ट क्लास में भी आया था ना, पिछला जो क्लास था उसके अंदर भी 30 डिग्री आया। लाइट रे अपने पाथ को रिट्रेस करेगी तो क्या उसका एंगल इंसिडेंस होगा, तीसरे रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को रिट्रेस करे, तीसरे रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को रिट्रेस करेगी अगर लाइट रे। चलिए अच्छा मैं पूछता हूँ, ए ऑप्शन कितने बच्चों का आया? ए किसका आया? 15 डिग्री आया क्या किसी का? नहीं आया 15 डिग्री नहीं आया किसी का। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन 30 डिग्री कितने बच्चों का आया? 30 डिग्री कई सारे बच्चों का आ रहा है, ठीक है। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन 60 डिग्री कितने बच्चों का आया? और डी 75 डिग्री, 75 डिग्री किसी का आ रहा है? चलिए तो अच्छा अब अंदाजा लगाइए, तुक्का मारिए कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। गेस वर्क, टोटल गेस वर्क कीजिए, कौन सा सही हो सकता है टोटल गेस कीजिए, बिल्कुल एकदम अंधी मारना जिसको कहते हैं ना वो करिए। बी सर। हाँ बेटा बॉम्बे मतलब 30 डिग्री ना? यस सर। ठीक है चलिए, इसका आंसर 30 डिग्री नहीं है, इसका आंसर है 60 डिग्री, ठीक है। कैसे ये सॉल्व हुआ क्वेश्चन ये मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ कि किस तरह से इसका आंसर 60 डिग्री आएगा। बड़ा ही अच्छा सवाल है ये, बहुत ही मतलब बारीक सा सवाल है और मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो मेरे पास सॉल्यूशन इसका बना के रखा है मैंने, लेकिन मैं स्टेप वाइज आपको ये समझ एक्सप्लेन कर, ठीक है। एक एक स्टेप में करने जा रहा हूँ, थोड़ा पेशेंस रखेंगे समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये जैसे मान लीजिए पहला मिरर है, फर्स्ट मिरर, ये है सेकंड मिरर, दो मिरर आपको दिख रहे हैं सबको? यस सर। ये जो दो मिरर्स है इनके बीच का एंगल है 30 डिग्री। क्वेश्चन ये था कि लाइट रे जो आ रही है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, ये वाला एंगल क्या होना चाहिए जिससे कि लाइट रे अपने पाथ को रिट्रेस करे। देखिए इस चैप्टर का नाम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी है या रे ऑप्टिक्स भी इसका नाम है, तो बेसिकली इसके अंदर ज्योमेट्री से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई चीजें रहती है, तो हमें ये वाला एंगल निकालना है। अब हम ये भी जानते हैं कि लाइट रे तीसरे रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है, तो पहला रिफ्लेक्शन तो यहीं पे हो गया। अच्छा जब भी कभी लाइट रे अपने पाथ को रिट्रेस करेगी तो उसकी शर्त जो होती है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई थी, उसकी शर्त ये होती है कि लाइट रे मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर गिरेगी, मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर गिरेगी तभी वो अपने पाथ को रिट्रेस कर पाएगी। तो अब जैसे तीसरे रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड रिफ्लेक्शन जब होगा तो लाइट रे इस मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर गिरनी चाहिए, तो पहला रिफ्लेक्शन तो ये हो गया था।
दूसरा मैं ये मान लेता हूँ यहाँ, और तीसरा मैं ये मान लेता हूँ, और ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा, तीसरा यहाँ, तीसरा जहां पर लाइट आई तो परपेंडिकुलर गिरी, अब परपेंडिकुलर गिरेगी तभी अपने पाथ को ये ट्रेस करेगी, तभी अपने रास्ते पर वापस आएगी, ठीक है। तो अब हमें देखो, ये एंगल 30 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा बताएं, ये वाला एंगल कितना होगा बताएं, 60 डिग्री, वेरी गुड, क्योंकि देखो ये 30 था, ये 90 था, ये वाला 30 है, ये वाला 90 है, तो ये वाला 60 होगा, इन तीनों का जोड़ जो आना चाहिए वो 180, हाँ, तो ये 30 हो गया, ये 90 हो गया, 30 90 कितना हो गया 120, तो बचा जो 60 डिग्री। अच्छा ये लाइट रेस के ऊपर गिरी थी तो नॉर्मल कुछ ऐसा होगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। अब अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री था, बहुत बारीक सा सवाल है ये, अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री था और ये नॉर्मल है, अच्छा नॉर्मल का मतलब क्या होता है, नॉर्मल का मतलब होता है नॉर्मल, मतलब कि वो मिरर के परपेंडिकुलर होगा। तो अब अगर ये एंगल 60 डिग्री है और नॉर्मल मिरर के परपेंडिकुलर था, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 30, दिख रहा है ये 30 डिग्री, यस सर, यस सर, जबरदस्ती हां मत बोलना, यस सर, नहीं दिखे तो साफ साफ बताना, मैं कैमरा और पास लाऊंगा, ठीक है, थोड़ा एक सर्टेन डिस्टेंस मैंने बना रखी है, लेकिन मैं और पास लाके कैमरा आपको दिखा सकता हूँ। तो ये अगर 30 डिग्री होगा तो फिर ये वाला भी 30 डिग्री हो जाएगा, ऐसा क्यों, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आपतन कोण जो होता है और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, टोटल 60 हो गया, टोटल ये 60 है और ये वाला 90 है, ठीक है, तो 60 है 90 है, तो ये वाला एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। अब ये वाला अगर 30 आएगा तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल मिरर से 90 बनाता है, तो अगर ये 30 है तो ये वाला एंगल जो है वो 60 हो जाएगा, 60 डिग्री, 60 होगा तो फिर ये भी 60 हो जाएगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आएगा वो 60 डिग्री के बराबर है, ठीक है। फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, ना समझ में आए तो आप तुरंत बताइएगा, हम आपको दूसरा फिगर बनाएंगे, तीसरा बनाएंगे, चौथा बनाएंगे, पहले हम लोग इस ऑनलाइन क्लासेस में कंफर्टेबल होंगे, फिर उसके बाद हम स्पीड में करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको समझ में आना चाहिए, जब आपकी रेगुलर ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तो ये टॉपिक हम आपको फिर दोबारा से नहीं पढ़ाएंगे, दोबारा हम सिर्फ इसका रिवीजन आपको कराएंगे, और वो रिवीजन कराएंगे जब हम, तो वो मतलब रिवीजन में वो इतना डिटेल में नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन जो खुलेगा, जो मेरी उम्मीद है कि लॉकडाउन जुलाई से पहले नहीं खुलने वाला, बाकी जो जो भी समझता रहे, तो जुलाई तक मैं चाह रहा हूँ कि अपना कम से कम एक टॉपिक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और अगर इसी के साथ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या तो ये कुछ एक दो टॉपिक अपने हो जाए, ठीक है, जिससे कि जुलाई पर हम लोग और तेजी से इसमें तो जब ऑफलाइन होगा तो ऑफलाइन में तो क्लासेस हम लोग बढ़ाएंगे, ज्यादा क्लासेस लेंगे, लेकिन ये है कि हमें थोड़ा सा मतलब ध्यान से समझना है, जो ना समझ में आए वो आप जरूर बताएं, समझ में आ रहा है, यस सर। देखिए ये लाइट रे ऐसे आई थी, ऐसे गई, फिर ऐसे गई, मिरर पे परपेंडिकुलर गिरी, ये वाला एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि तीसरे रिफ्लेक्शन के बाद अपने रास्ते को रिट्रेस कर रही है, तो रिट्रेस कर रही तो मिरर पे परपेंडिकुलर गिरेगी, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल हो गया, ये भी 90 हो गया, ये वाला 30 डिग्री था, ये 90 डिग्री था, तो ये 60 डिग्री हो गया, इन तीनों का जोड़ 180 आना चाहिए। अच्छा ये 60 हो गया तो फिर ये 30 हो जाएगा, ये 30 होगा तो ये भी 30 हो जाएगा, क्योंकि I is equal to R होता है, अभी टोटल मिला के 60 हो, ये 90, 9 6 15, तो 150 डिग्री हो गया, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। इस ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है इसको तीनों का जोड़ 180 आना चाहिए ना, yes, sir. 30 yes, sir. है तो ये 60 हो जाएगा, तो एंगल की वैल्यू 60 के बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत, इसका सवाल था कठिन था या आसान था, आसान था सर, आसान था, फिर हुआ क्यों नहीं, तो होना चाहिए था ना। चलो अगला क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता एक और सवाल देता हूँ, इसी सीरीज का एक और क्वेश्चन है, लिखे क्वेश्चन, लिखे फाइंड द रिलेशन बिटवीन आई थीटा एंड एन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन आई थीटा एंड एन सच दैट, find the relation between I theta and N such that the light ray, find the relation between I theta and N such that the light ray retraces its path, find the relation between I theta and N such that the light ray retraces its path, find the relation between I theta and N such that the light ray retraces its path after nth reflection,
find the relation between I theta and N such that the light retraces its path after nth reflection. Find the relation between I theta and N such that the light ray retraces its path after nth reflection. I theta और N के बीच का relation बताओ जिससे कि light ray nth reflection के बाद अपने path को retrace कर सके. मैं figure आपको बना के दे रहा हूँ. Figure बना के दे रहा हूँ. उस figure में ध्यान से आप देखिएगा. Figure देखिए मैं बना के आपको दिखा. Yeah. I theta और N के बीच का रिलेशन बनाना है जिससे कि लाइट रे nवे रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को रिट्रेस करे. I एंगल ऑफ इंसिडेंस है, थीटा मिरर्स के बीच का एंगल है, और n जो है जैसे nवे का मतलब, n का मतलब जैसे दूसरा है, या n की वैल्यू 5 कर दे तो पांचवा रिफ्लेक्शन, n की वैल्यू 3 कर दे तो तीसरा रिफ्लेक्शन, मतलब nth रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे अगर अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है तो I थीटा और n के बीच का रिलेशन बता बता. समय दे रहा हूं मैं आपको 5 मिनट का. बहुत बढ़िया सवाल है. पिछले जो दो क्वेश्चन कराए थे मैंने, अगर उन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से आपने देखा और समझा होगा तो भी ये क्वेश्चन आप कर पाए, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में तो आई और थीटा की वैल्यू आती थी कि भाई 30 डिग्री है, दूसरा रिफ्लेक्शन है, तीसरा. यहाँ सब वेरिएबल कर दिया मैंने. मिरर के बीच का एंगल थीटा कर दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कर दिया, और एनवे रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है. एनथ रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है. ठीक है, सॉल्व करें. करेंगे हम, बताओ इसका सोल्यूशन. थोड़ा ट्राई कर ले. थोड़ा ट्राई कर ले. चलो करो, ट्राई करो. कठिन है सवाल, आसान नहीं है, फिर भी एक बार ट्राई कर ले. आप जब आपसे ना हो तो आप हमें बता दें, सॉल्व करूंगा, इसको समझाऊंगा. जैसे इसके पहले के पहले जो सवाल था उसमें दूसरे रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस कर रही थी लाइट, फिर मैंने सवाल दिया उसमें तीसरे रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रिट्रेस कर रही थी. अगर एनवे रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस करती है लाइट रे तो क्या उसका तरीका होगा? चलिए मैं आपको बता रहा हूँ. इनमें जो रिलेशन आएगा, जो भी रिलेशन आएगा वो रिलेशन चलिए मैं लिख रहा हूँ. I is equal to 2 theta. नहीं, I is equal to theta तो नहीं है. क्या 2 theta? क्या बेटा? I is equal to 2 theta. नहीं, इसका जो आएगा ना, चलिए मैं बताता हूँ आपको. ये दिखा आपको, तो इसमें जो रिलेशन आएगा वो आएगा I is equal to n minus 1 into theta. ये रिलेशन आएगा. कैसे आएगा रिलेशन, ये मैं आपको समझा रहा हूँ. अगर आप पहले के जो पहले जिसमें दो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे रिट्रेस कर रही थी, अगर आप उसमें देखें तो दो रिफ्लेक्शन का मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई? 2. थीटा अगर पिछले वाले पिछले के पिछले सवाल में देखें तो थीटा की वैल्यू कितनी थी? 30, और n की वैल्यू 2 थी. तो i कितना आया था? 2 माइनस 1. i की वैल्यू जो आई थी वो 2 माइनस 1 इंटू 30, तो 30 आ गई थी इसके पहले वाले सवाल में. जब तीन रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस कर रहा था तो n की वैल्यू 3 आई थी. जब तीन रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेसिंग हो रही तो n की वैल्यू 3 आई थी. थीटा 30 था तो 3 माइनस 1 यानी 2 इंटू 30 60 आ गया. तो जो हमने पिछले दो सवाल किए थे उन दोनों सवालों को अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि आई अगर n माइनस 1 थीटा के बराबर होगा तो लाइट रे अपने पाथ को रिट्रेस करेगी nth रिफ्लेक्शन के बाद. एक रिजल्ट भी है जो आप याद रख सकते हैं. इस टाइप के जो जनरल सवाल हैं उन सारे सवालों को आप इस तरह से कर सकते हैं.
कि अगर लाइट nth रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को रिट्रेस करती है तो i इज इक्वल हो जाएगा n माइनस 1 इनटू थीटा, जहां n वां रिफ्लेक्शन है और थीटा मिरर्स के बीच का एंगल। तो ये नोट कर ले। ठीक है, नोट कर लिया सबने? अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैं कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करूंगा, कई सारे सवालों की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो जैसे एक सवाल मैं आपको ये दे रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन लिखे चलिए, बिना फॉर्मूले के भी आ सकते हैं। हाँ बेटा, ये बिना फॉर्मूले के भी आ सकता है ना? कौन सा? i = n - 1 थीटा। हाँ। बड़ी मेहनत पड़ेगी बेटा बिना फॉर्मूले के, क्योंकि हमें पता ही नहीं ना कि कौन सा रिफ्लेक्शन है, तो रे डायग्राम कैसे बनाएंगे? तीसरे के बाद अगर बोलता तो तीन बार, तीन के बाद परपेंडिकुलर कर देते, चार बोलता तो चार के बाद कर देते, पांच बोलता तो पांच के बाद कर देते, पर जब इन्होंने कुछ बोला ही नहीं है तो ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी ना। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द एंगल मेड बाय द मिरर, फाइंड द एंगल मेड बाय द मिरर विद हॉरिजॉन्टल, find the angle made by the mirror with horizontal। If the light ray, find the angle made by the mirror with horizontal। If the light ray becomes horizontal, if the light ray becomes horizontal after reflection from the mirror, if the light ray becomes horizontal after reflection from the mirror। Find the angle made by the mirror with horizontal if light ray becomes horizontal, if the light ray becomes horizontal after reflection from the mirror, light ray becomes horizontal after reflection from the mirror। ठीक है, अब मैं इसका फिगर बना रहा हूँ, इसका फिगर जो है वो मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, इसका ये देखिए बेटा, ये लाइट रे से आ रही थी ऐसे, और ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चली गई। हमें मिरर दिखा नहीं रखा है इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में इंसिडेंट रे दिखाई है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे, मिरर नहीं दिखा रखा है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों रेज आपको दिखा रखी है, और ये भी हमें पता है कि ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है। मिरर पता नहीं कैसे रख दिया, मिरर दिखा नहीं रखा। तो आपको ये पता लगाना है कि जो मिरर है ना वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल, ये हो गई इंसिडेंट रे आपतित किरण, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। मिरर नहीं बता रखा है, मिरर कहाँ पे रखा है, कैसे रखा है, ये सब कुछ नहीं बता रखा, ये आपको पता लगाना है। तो आपको ये बताना है कि जो मिरर है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा होगा, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, तो मिरर हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है आपको बताना है। फिगर बना लिया सबने? Yes। हाँ, फिगर बना लीजिए, और फिगर बना करके आप बताइए कि मिरर हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना। ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और मिरर के बारे में कुछ बता नहीं। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और मिरर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो आपको बताना है कि मिरर कैसे रखा होगा जिससे कि लाइट रे हॉरिजॉन्टल हो जा रही है रिफ्लेक्शन के बाद।
60 डिग्री इंसिडेंट रे आपको दिखा रखी है और रिफ्लेक्टेड रे दिखा रखी है, मिरर आपको नहीं दिखा रखा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि मिरर हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है। मैं बताऊं आप, हेलो सर 60 डिग्री आ रहा है। हाँ बेटा 60 डिग्री आ रहा है, ठीक है। चलिए अब मैं इसको बता रहा हूँ। देखिए इसमें जो मिरर से के रिफ्लेक्शन से जुड़ी हुई जो बातें हैं, जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट आपको समझना है। जैसे ये लाइट रे आपकी इंसिडेंट रे थी, ये इंसिडेंट थी, ये रिफ्लेक्टेड थी। अगर ये इंसिडेंट थी और ये रिफ्लेक्टेड थी तो जो मिरर आएगा, मतलब जो मिरर होगा वो कहाँ पर होगा यार, तो आपको नहीं बता रखा है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि जो नॉर्मल होता है ना, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे उससे बराबर एंगल बनाते हैं। तो जैसे अगर ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है तो जो नॉर्मल होगा ना वो तो बीचों बीच से जा रहा होगा, ये पक्का है। अगर ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो नॉर्मल एकदम बीच से जा रहा होगा, क्योंकि हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं। तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस में ये मान ले रहा हूँ आई, और ये एंगल भी मैंने आई मान लिया। अब थोड़ा ध्यान से देखें तो ये 60 है, ये आई है, ये आई है। इसी एक लाइन पर, किसी एक लाइन पर जो टोटल एंगल का जोड़ होता है वो 180 होता है। तो अगर मैं देखूंगा तो 60 plus 2i इज इक्वल हो जाएगा 180। तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आएगा वो 60 डिग्री आ जाएगा। लेकिन आपसे एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं पूछा, आपसे पूछा ये है कि मिरर जो है, ये पहले नोट कर ले आप, 60 plus 2i 180 होगा, तो i की वैल्यू 60 डिग्री है, ठीक है। आपसे ये पूछा है मिरर कितना एंगल बना रहा है। तो अब देखिए ये कंफर्म है, जिस सवाल में जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ आपको वो यही है कि अगर नॉर्मल का मतलब नॉर्मल होता है, नॉर्मल का मतलब नॉर्मल होता है, यानी कि नॉर्मल जो होता है वो मिरर के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये नॉर्मल है तो मिरर इसके परपेंडिकुलर है, कुछ ऐसे मिरर होगा, ठीक है। अब मिरर इसके परपेंडिकुलर आएगा, कुछ इस तरह से मिरर होगा। अब मान लीजिए कि ये नॉर्मल था तो आई की वैल्यू 60 डिग्री आ गई थी, और ये मिरर के साथ टोटल जो बनेगा ये तो 90 बनेगा। तो अगर ये वाला एंगल 60 के बराबर है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 30। तो मिरर हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगा वो 30 डिग्री बनाएगा, मिरर हॉरिजॉन्टल से 30। और फिर से मैं समझा, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। अब हमें ये पता है कि जो नॉर्मल होता है, यानी जो अभिलंब होता है, वो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के एकदम बीचों बीच से जाता है। ये टोटल एंगल था 60 डिग्री, तो अब ये 60 था, एक लाइन पे 180 होता है, तो ये टोटल 120 हो जाएगा, आधा ये हो जाएगा, आधा ये हो जाएगा, तो आई की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। अब हम ये जानते हैं कि जो नॉर्मल होता है वो मिरर के, नाम ही उसका नॉर्मल है ना, तो मिरर के परपेंडिकुलर होगा। अगर ये नॉर्मल है तो मिरर कुछ इस तरह से हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर। ये वाला एंगल 60 था, टोटल ये 90 है, ये 60 था, तो ये 30 हो जाएगा, यानी मिरर जो है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट। कोई डाउट हो किसी को तो पूछता चले, संकोच ना करें। देखो सिर्फ पढ़ पढ़ के कुछ नहीं होगा, मतलब सवाल लगाने होंगे, डाउट डिस्कस करना होगा आपको। तो डाउट अगर आता है तो उसको डिस्कस जरूर करें, बताएं आप। पहली बात तो डाउट के लिए आपको सामने आना पड़ेगा, जैसे छुप के बैठे रहते लोग, सामने आना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, तो उसको एक्सप्लेन करेंगे, एक बार में, दो बार में, तीन बार में, ठीक है। हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फोन पे बात करके एक्सप्लेन करेंगे,
कैसे भी करके फोटो बना के फोटो खींच के मैं एक्सप्लेन करूंगा, कोई रिलेवेंट वीडियो डालूंगा फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। कुल मिला के ये है कि एक्सप्लेन तो मैं करूंगा लेकिन उसके लिए आपको पूछना जरूरी होगा, आप पूछेंगे तो आपको डाउट जो है वो क्लियर किया। ठीक है, नोट कर लिया? यस सर। यस चलिए। यस सर। एक और क्वेश्चन लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द एंगल मेड बाय द मिरर, फाइंड द एंगल मेड बाय द मिरर विथ द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द एंगल मेड बाय द मिरर विथ द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द एंगल मेड बाय द मिरर विथ द हॉरिजॉन्टल सो दैट, फाइंड द एंगल मेड बाय द मिरर विथ द हॉरिजॉन्टल सो दैट द लाइट रे बिकम्स हॉरिजॉन्टल, फाइंड द एंगल मेड बाय द मिरर विथ द हॉरिजॉन्टल सो दैट द लाइट रे बिकम्स हॉरिजॉन्टल आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, so that the light ray becomes horizontal after reflection from the mirror. Figure बना के मैं बता रहा हूँ, जो figure है जिस figure के हिसाब से ये question पूछा गया है वो figure मैं आपको बना के बता रहा हूँ। देखिए, ये एक light ray आ रही है ऐसे, ये है इंसिडेंट रे, ये एक लाइट रे ऐसे चली गई, ये है रिफ्लेक्टेड रे, और ये वाला एंगल जैसे पिछले क्वेश्चन में 60 डिग्री था ना, तो इस क्वेश्चन में 30 डिग्री, बस यही आपको फर्क दिया हुआ है। इंसिडेंट रे ये है, आपतित किरण ये है, रिफ्लेक्टेड रे ये है, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री। तो आपको ये बताना है कि मिरर हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा होगा जिससे कि ये लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद हॉरिजॉन्टल, मतलब पिछला ही सवाल है, बस पिछले सवाल में ये एंगल 60 था, यहाँ पे मैंने 30 कर दिया। बताएं, सॉल्व करें, पहले तो क्वेश्चन नोट कर लिया करें सब लोग। आज से हम लोग एक नया फीचर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी आपके लेक्चर्स होंगे ना उसको जो K2K का यूट्यूब चैनल है कोटा टू काशी, मेरे ख्याल से देखा होगा आप लोगों ने, तो ये सारा जो भी आज मैं पढ़ाऊंगा ना ये सारा का सारा हम लोग, हेलो सर 15 डिग्री, यस सर 15 डिग्री, हाँ मैं एक इंफॉर्मेशन भी दे रहा था आप लोगों को, ये जो कुछ भी आज का लेक्चर पढ़ाया जाएगा 3 घंटे की जो क्लास होगी ये पूरी की पूरी क्लास जो है जो यूट्यूब चैनल है K2K का कोटा टू काशी नाम से उसपे हम अपलोड करेंगे, तो जिन बच्चों का छूट गया वो रिवाइज भी कर सकते हैं, तो सेम सब कुछ ऐसे ही चलेगा, बस उसमें आप कुछ पूछ नहीं पाओगे, ये पूरा पूरा जो हो रहा है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हम यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे, जिनका जो छूटा छाटा है या एक बार में नहीं समझ में आ रहा है ऑनलाइन में तो 2 बार 3 बार देख के 4 बार देख के उसको समझ सकते हैं, फिर फोन पे डाउट पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। कुल मिला के सीखना है, अगर तुम सीखने में जरा सा भी इंटरेस्टेड हो तो हम सिखा के मानेंगे आपको, इंपॉर्टेंट बात है कि आप सीखने में इंटरेस्टेड हो कि नहीं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको किसी न किसी तरह से फोन से वीडियो से रिकैप से कैसे भी करके हम आपको सिखा देंगे। चलिए कितना है सर? डिग्री आ रहा है, चलो देखते हैं भाई सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, हम ये जानते हैं कि जो नॉर्मल होता है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीचों बीच होता है, जो इंसिडेंट रे होती है और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है नॉर्मल उसके बीचों बीच होता है, एकदम बीच में आ गया नॉर्मल, इस जगह पे नॉर्मल आ गया, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये नॉर्मल हो गया। अब ध्यान से देखें, अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये पूरा जो आ रहा है ये आ जाएगा 150, एक लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये पूरा जो आ जाएगा 180 आ जाएगा, सॉरी 180 नहीं 150 150 आ जाएगा, ये 150 आएगा तो दोनों को आधा आधा मिलेगा तो 75 भी हो जाएगा, 75 भी हो जाएगा। अच्छा, नॉर्मल का मतलब फिर से मैं बोल रहा हूँ, नॉर्मल का मतलब मतलब परपेंडिकुलर, तो ये जो नॉर्मल है ये मिरर के परपेंडिकुलर होगा, ये जो मिरर है वो कुछ हमें ऐसे बनाना पड़ेगा इस तरह से, नॉर्मल का मतलब नॉर्मल है मिरर के परपेंडिकुलर, तो अभी ये वाला एंगल था 75 तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, कितने बच्चों का सही आया था? यस सर, यस सर, ठीक है। एक आधी सी टाइप का और सवाल करें या आगे बढ़ जाए?
और सर और कराते हैं ना इसी टाइप का एक सवाल, इसी तरह के सवाल लिखो, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द लाइट रे retraces its path, find the angle of incidence for which the light ray retraces its path after fifth reflection. Find the angle of incidence for which the light ray retraces its path after fifth reflection. Figure mein bana de raha hu. Ek mirror aisa hai aur dusra jo mirror hai wo aisa. और इन दोनों के बीच का एंगल है 10 डिग्री. दो मिरर ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है, और ये लाइट रे इस तरह से आ रही है ऐसे. तो आपको ये बताना है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा जिससे लाइट रे पांचवें रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को रिट्रेस कर पाए. 40 डिग्री. 40 डिग्री. 40 डिग्री. 40 डिग्री. फॉर्मूले को याद रखे काम का वैल्यू है 5 और थीटा जो है मिरर्स के बीच का एंगल 10 डिग्री दे रखा है. ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री. एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 40 डिग्री होगा तो लाइट अपने पास को इस कर, ठीक है. और कराए इस टाइप के सवाल? यस सर. और कराते हैं, चलो सर, ठीक है, चलो कुछ और सवाल कराता हूं मैं. लिखो क्वेश्चन, लिखो, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, नहीं, फाइंड द एंगल मेड बाय द मिरर. Find the angle made by the mirror. Find the angle made by the mirror with horizontal. Find the angle made by the mirror with horizontal. If the light ray becomes horizontal, find the angle made by the mirror with horizontal. If the light ray becomes horizontal after reflection from the mirror. Find the angle made by the mirror with horizontal if the light ray becomes horizontal after reflection from the mirror. Mirror se reflection ke baad light ray agar horizontal ho ja rahi hai, figure dekhe, ye ek light ray aise ja rahi thi, mirror se reflection hua aur reflection ke baad ye horizontal ho gayi, aise chali. Ye wala angle diya hua hai 60 degree. Ye hai incident ray, ye hai reflected ray. Light ray aise aayi, मिरर यहाँ कहीं पर होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर बाद ऐसे चलेगी. तो आपको बताना है कि मिरर हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है. फिगर बना ले सब लोग. फाइंड द एंगल बाय मेड बाय द मिरर विद हॉरिजॉन्टल सो दैट द लाइट रे बिकम्स हॉरिजॉन्टल आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर. आपको इंसिडेंट रे दिखा रखी है, रिफ्लेक्टेड रे दिखा रखी है. आपको बताना है कि लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद अगर हॉरिजॉन्टल जा रही है तो मिरर से उसका कितना एंगल बन रहा होगा, हॉरिजॉन्टल से उसका कितना एंगल बन रहा बेटा. 60 डिग्री. किसने बोला नाम अपना एक बार बोल दो बेटा. श्रेया सिंह. श्रेया. यस सर. श्रेया सिंह ना. ठीक है, मेरा भी 60 है. आपका कितना आ रहा है बेटा? 60. 60 है, 60 डिग्री. Thank you.
Yes, sir. 60 degrees. That's 60 degrees. 60 degrees. मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ बेटा, हाँ ठीक है। देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। हम ये जानते हैं कि जो इंसिडेंट रे होती है और जो रिफ्लेक्टेड होती है नॉर्मल उसके बीचों बीच से जाता है, तो नॉर्मल उसके बीचों बीच से जाता है, इस तरह से जाएगा नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल इसके बीचों बीच से गया, अब अगर नॉर्मल बीचों बीच से गया तो ये जैसे 60 था तो आधा इसको मिलेगा, इसको मिल जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। अच्छा हम ये जानते हैं कि नॉर्मल का मतलब नॉर्मल होता है, जो नॉर्मल का मतलब मिरर के परपेंडिकुलर, तो अगर ये नॉर्मल है तो मिरर इसके परपेंडिकुलर होगा, ऐसे होगा मिरर। अच्छा अब परपेंडिकुलर हो गया, तो अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री के बराबर था और ये टोटल नॉर्मल से 90 बनाता है मिरर, अगर ये 30 के बराबर था तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये ना 60 होगा। 60 तो ये जो मिरर है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बना रहा है, ये 60 हो गया ना, ये 60 हो गया तो ये भी 60 हो जाएगा, तो मिरर हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री बनाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, तो मिरर हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री बनाएगा। बना ले, नोट कर ले इसको, ये सही कर लिया था, सही है, जिन्होंने गलत किया था नोट कर ले। एंगल के साथ, इसका नाम रे ऑप्टिक्स है, तो इसके अंदर आपको फिगर्स पे ध्यान देना होता है, फिगर अच्छे से देखिए, बनाइए उसको, जब ना समझ में आए उसको डिस्कस कीजिए। नोट कर लिया? यस सर। हाँ जब हो जाए तो बता दिया करो ना, आगे बढ़ जाएंगे। कर लिया नोट ना? यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और कुछ सवाल देते हैं आपको हम करने के लिए, कुछ और क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन लिखे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द point of incidence, find the coordinates of the point of incidence so that, find the coordinates of the point of incidence so that the light ray moving horizontally, find the coordinates of the point of incidence so that the light ray moving horizontally becomes vertical after reflection, so that the light ray moving horizontally becomes vertical after reflection. Light ray moving horizontally becomes vertical after reflection. मैं फिगर बनाने जा रहा हूँ, पहले फिगर समझे। ये एक मिरर है जो अंदर से सिल्वरिंग की गई है, जिसकी एक सर्कल का जो रेडियस है वो आर है, ये मान लिया एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इस सर्कल का रेडियस आर है और अंदर से इसकी सिल्वरिंग करी गई है, सर्कल का रेडियस आर है। अब एक लाइट रे है जो ऐसे हॉरिजॉन्टल आके गिरती है, इसके ऐसे हॉरिजॉन्टल आके गिरती है और फिर उसके बाद ये लाइट रे ऐसे वर्टिकल हो जाती है, ऐसे हॉरिजॉन्टल आई गिरने के बाद ऐसे वर्टिकल हो गई, तो आपको बताना है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या, ये और जिस जगह पे लाइट रे आके गिर रही है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या,
ये आपको बता रहा हूँ, ये मिरर है, सर्कुलर मिरर हो गया, इसका अंदर वाला पार्ट सिल्वर्ड है, एक लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, इसको मैं इंसिडेंट रे बोल दे रहा हूँ, ऐसे आके गिर रही है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, तो ये ऐसे इंसिडेंट हुई, ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, तो ये वाला जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, सर्कल का रेडियस आर है, सॉल्व करें इसको, अगर सॉल्व कर पाए नहीं तो कहीं हम बताना शुरू कर होगा नहीं आपसे, बताऊं मैं, हेलो यस सर, ये आप ट्राई करोगे? यस सर। यस का क्या मतलब है? यस का मतलब ट्राई करोगे या बताऊं? बट ट्राई करें, चलो करो करो, ट्राई करो। ये एक मिरर है, ये इंसिडेंट रे है, ऐसे आ रही है, मिरर से टकराने के बाद ये ऐसे चली जा रही है, तो आपको बताना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, सॉरी जिस जगह पे लाइट रे गिरी उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, मैं चलो ऑप्शन देता हूँ, पहला ऑप्शन आर कॉमा आर, दूसरा ऑप्शन आर बाई टू कॉमा आर बाई टू, तीसरा ऑप्शन आर बाई रूट टू कॉमा आर बाई रूट टू, और चौथा ऑप्शन आर कॉमा आर बाई टू, चार ऑप्शन सर, कोऑर्डिनेट जैसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट होते हैं ना, उसी तरह से जिस जगह पे लाइट रे गिर रही है, गिरी हुई है, जिस जगह पे लाइट रे गिरी है उसका कोऑर्डिनेट बताना है, थर्ड ऑप्शन यानी सी, ट्राई करो भाई सब लोग, आर बाय रूट टू, थर्ड ऑप्शन सर, तो क्वेश्चन एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ आपको, ये लाइट रे है, डी आर कॉमा आर बाई टू ना, ठीक है, चलिए किसी का ए आया, ए किसका आया, नाम के साथ बोलते अपना, नहीं बी कितने लोगों का आ रहा है, नाम अपना नाम बताएं और ऑप्शन बताएं, बी आ रहा है किसी का, सी आ रहा है किसी का, yes, sir. किसका किसका आ रहा है, नाम के साथ बताओ बेटा, अपना नाम बोलो और बताओ, श्रेया सिंह, ऑप्शन सी, श्रेया सी, और किसी का सी आ रहा है, दिवाकर सर, दिवाकर आपका भी सी आ रहा है, और किसी का सी आ रहा है, नहीं, डी कितने लोग आ रहे हैं सर, मेरा ज्योति, ज्योति, ज्योति का डी आ रहा है, ठीक है, और किसी का डी आ रहा है, विशाल आपका डी आ रहा है, अच्छा और किसी का डी आ रहा है, चलिए खैर इसका जो सही आंसर है, ठीक है, सही आंसर जो इसका है वो सी है, अब कैसे सी आएगा ये मैं आपको एक्सप्लेन कर, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा, मिरर की जो प्रॉपर्टीज होती है उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए इसको, देखिए ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ओ यहां क्या निकल रहा था, ठीक है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है, हम भी जानते हैं कि किसी भी सर्कल के ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर गिराते हैं तो वो परपेंडिकुलर सर्कल के सेंटर से जाता है, ये जानते हैं कि नहीं, किसी भी सर्कल के ऊपर अगर आप नॉर्मल गिराओगे तो वो सेंटर से ही जाएगा,
तो अगर आप यहाँ पे नॉर्मल गिराओगे तो ये सर्कल के सेंटर से जाएगा। अच्छा, अगर ये नॉर्मल सर्कल के सेंटर से जा रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होते हैं ना, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। अच्छा, ये टोटल 90 था, तो ये 45 हो जाएगा और ये भी 45 हो जाएगा। किसी को डाउट, किसी को नहीं? ये इंसिडेंट रे भी, ये रिफ्लेक्टेड रे भी, नॉर्मल बीचों बीच से जाएगा, नॉर्मल बीचों बीच से जाएगा, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। टोटल ये 90 है, तो ये आधा आधा दोनों हो जाएंगे, 45-45 डिग्री। अच्छा, अगर ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा। ये 45 इसलिए होगा, अगर ये वाला 45 है तो ये भी 45 होगा। ये 45 इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। पैरेलल है तो ये अल्टरनेट एंगल हो गया ना, तो ये 45, तो ये भी 45। अब ध्यान से देखें, जैसे किसी भी, अगर कोई भी, जैसे मान लो से ओरिजिन से एल दूरी पर कोई चीज है, तो उसका जो कोऑर्डिनेट आता है वो आता है एल कॉस थीटा और एल साइन थीटा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिजिन से एल दूरी पर, जैसे मान लो, चलो आपको कहीं बना के बता दें, ठीक है, यहाँ बना के बता दें, जैसे मान लीजिए ये ओरिजिन है, ये एल दूरी हो गई, ये थीटा हो गया, तो ये वाली चीज जो आएगी वो एल कॉस थीटा आती है और ये वाली चीज जो आती है वो एल साइन थीटा आती है। समझ पा रहे हो कि नहीं? आना कुछ तो बोल दो मेरे भाई। yes, हाँ बोलोगे तो कम से कम मैं समझ बता पाऊंगा ना कि आपके पास आवाज पहुंच रही है कि नहीं। ये L है, तो ये L cos थीटा होगा, L sin थीटा होगा। अब देखिए, ये वाली दूरी R के बराबर थी, ये वाली जो दूरी थी R के बराबर थी, तो अगर R के बराबर दूरी थी तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये हो जाएगी R cos 45 और ये हो जाएगी R sin 45। तो कोऑर्डिनेट जो आएगा इसका, वो कोऑर्डिनेट आएगा R cos 45 R sin 45। cos 45 होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा r/√2 r/, ये आ जाएगा। इंशाल्लाह नोट कर ले फिगर के साथ, अच्छे से नोट कर ले, फटाफट नोट करने का काम करें। कर लिया, नोट कर लिया। अगला सवाल दूं मैं आपको? यस सर। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो फटाफट करो नया सवाल। सवाल देखिएगा ध्यान से, सेम ही क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इस सर्कल का रेडियस r के बराबर है और एक लाइट रे ऐसे आ रही है, इस तरह से आ रही है इंसिडेंट रे, और ऐसे चली जा रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सच दैट the light ray moving horizontally, find the coordinates of the point of incidence such that the light ray moving horizontally, find the coordinates of the point of incidence such that the light ray moving horizontally becomes vertical after reflection. Find the coordinates of the point of incidence such that the light ray moving horizontally becomes vertical after reflection as shown. और बाकी लोग भी सॉल्व करें। यस सर, माइनस आर बाई रूट टू कॉमा आर बाई रूट टू, माइनस आर बाई रूट टू कॉमा आर बाई रूट।
यस सर इतना ही आ रहा है उतना ही आ रहा है ना वही सेम सवाल है इधर वाला एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा थोड़ा ध्यान से देखें मैं फिर से सॉल्व कर लूं इसका आंसर वही आएगा माइनस आर बाई रूट टू कॉमा आर बाई रूट देखें ये लाइट रे है इंसिडेंट रे ये रिफ्लेक्टेड है तो नॉर्मल जो होगा वो इनके बीचों बीच से जाएगा इस तरह से नॉर्मल हो जाएगा ऐसा नॉर्मल इनके बीचों बीच से चला गया ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा ये भी 45 हो जाएगा क्योंकि दोनों एंगल बराबर होने हैं अच्छा ये 45 होगा तो फिर ये भी 45 हो जाएगा अब ये 45 हो गया अब देखें ये डिस्टेंस आर के बराबर है इसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा वाई पॉजिटिव आएगा तो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा माइनस आर एक्स कोऑर्डिनेट जो आएगा वो आएगा माइनस आर कॉस 45 और वाई कोऑर्डिनेट आएगा आर साइन 45 सॉल्व करेंगे तो ये माइनस आर बाई रूट टू कॉमा आर बाई रूट टू कितने बच्चों का गलत हुआ ये गलत किसी का नहीं हुआ पक्का ठीक है तो ये इस तरह से इसको नोट कर ले भाई सब लोग नोट कर ले एनकेटी सर आ गए आप लोग चाहे तो सर से बात करके 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं या फिर वैसे तो आप लोग ब्रेक ही ले रहे हैं अपना मोबाइल वो वीडियो ऑफ करके साउंड ऑफ करके आप लोग नाश्ता ही करने चले जाते होंगे लेकिन नहीं सर मैं फिर जाता हूँ होमवर्क जो है अभी कुछ भी नहीं है और मैं लीव कर रहा हूँ गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग बेटा शुरू किया जाए आप लोग कुछ नोट कर रहे थे क्या यस हो गया मंगेश बोल रहा है क्या नहीं मंगेश सो रहा है मंगेश यस सर मंगेश मंगेश नहीं है सर मैं तो चेहरे देख लूं मैं कौन है आज अच्छा चलो फिर ये भाई सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा एक आ रही है सर आ रही है यस सर ब्लर आ रही है ब्लर आ रही आप सही है अभी तक सही आ रही आपकी सही आ रही थी अच्छा अभी सही आ रही थी अच्छा तो कल हमने पढ़ाया था आप इस एक्सपर्ट बनना यस यस सर हेलो एक बार रिवाइज करा कोई मुझे हाँ रिवाइज कर देता हूँ मैं रिवाइज कर देता हूँ रिवाइज कर देता हूँ रिवाइज कर देता हूँ हाँ तो इस एक्सपोज़र में मेरे को पढ़ाया था रिवाइज कर ले यार आगे बढ़ते हैं बताइए भाई जिसमें ना हुआ पेरेंट होता है कि दो होता है इस एक्सपोज़र पेरेंट होता है पेरेंट एक होता है या दो एक होता है एक होता है एक होता है माइटोटिक डिन होता है कि मियोसिस माइटोटिक माइटोसिस माइटोसिस माइटोटिक डिन होती है यस सर माइटोसिस होती है मियोसिस होती है नहीं होती है यस सर मियोसिस होती है नहीं नहीं होती है नहीं होती क्रॉसिंग या रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है क्रॉसिंग या रिकॉम्बिनेशन नहीं होता वेरिएशन आती है कि नहीं आती है नहीं आती है वेरिएशन भी नहीं आती है बिल्कुल सही बता रहे हैं वेरिएशन नहीं आती ठीक है जो उसके बच्चे होते हैं स्प्रिंग्स वो मॉर्फोलॉजी और जेनेटिक क्या होते हैं सिमिलर होते हैं सिमिलर होते हैं मॉर्फोलॉजी और जेनेटिक क्या होते हैं सिमिलर होते हैं मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं ठीक है उनको सब लोग मिलकर क्या कहते हैं एक लाइन में क्लोन कहते हैं क्लोन क्या कहते हैं भाई क्लोन कहते हैं ना क्लोन हाँ इसके बाद मैंने पढ़ा कि ये जो एस एक्सप्रेसर ज्यादा कहाँ पाया जा है मोनेरा में और प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा मोनेरा में और प्रोटिस्टा पाया जाता है आपको
यस सर यस सर अच्छा चलो ठीक है फिर मैंने आपको एग्जांपल है जूस कहां पाते हैं क्लाइडो कोनेडियम और बेटा जूस स्पोर्ट्स कहां पाते हैं अगर आप किसी ने क्लेमाइडोमोनास में किसी ने अगर एनसी देखी हो तो जूस स्पोर्ट्स मोनोफ्लेजेट है या डाइफ्लेजेलेट है जूस स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर में एक फ्लैजेला लगा है या दो फ्लैजेला फ्लैजेला उसका फिगर है उस पे एक फ्लैजेला लगा है या दो फ्लैजेला लगा है दो फ्लैजेला फाइव फ्लैजेलेट हुआ मूवेबल हुआ कि मूवेबल मूवेबल हुआ बिल्कुल मूवेबल हुआ सही बात है क्लेमाइडोमोनास से पाया जाता है दूसरा रिजल्ट जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था कोनिडिया का पाई कोनिडिया yes. बताओ बेटा कोनिडिया किससे पाया जाता है पेनिसिलियम कोनिडिया जाता है पेनिसिलियम पेनिसिलियम नोटेटम में yes, नोटेटम पेनिसिलियम नोटेटम बैक्टीरिया की फंजाई है फंजाई है कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है पेनिसिलिन पेनिसिलिन पाई जाती ठीक है आपको एक एग्जांपल पढ़ा था इररेगुलर बाइनरी एक्शन यस सर हाइड्रा किसके द्वारा प्रोडक्शन करता है ये बड़े एक्सोजीनस है और एक बात और मैंने बताया कि इसमें हमेशा मैसेज होती है रीजनरेशन भी जो है ए सिक्स प्रोडक्शन है रीजनरेशन जो होता है वो भी सिक्स प्रोडक्शन है ना यस सर अब आइए आज क्लास में अच्छा इसका ज्यादातर जो पाया जाता है ज्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गन पाया जाता है मोनेरा और प्रोस्टा में एक और बताया था कि ये ए सिक्स प्रोडक्शन के जो बाइनरी फ्यूजन होता है उसमें जो जीव होता है वो इमॉर्टल होता है अमर होता है क्योंकि पेरेंट डिवाइड होकर डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है जो मेन सेल है ये नेचुरल नहीं होती है किसी चीज की नेचर नहीं होती है तो इमॉर्टल है अब आज एनसीईआरटी के पेज नंबर 7 से हम लोग शुरू करेंगे हमने आपको पेज नंबर 6 तक पढ़ा दिया अगर किसी ने एनसीईआरटी ली है तो पेज नंबर 7 से सुबह आपको दिखा देता हूँ ताकि आप पढ़े कि हम पढ़ क्या रहे हैं सर यहाँ पेज नंबर 7 पे एनसीईआरटी ने जो पढ़ाया वो आज हम आपको पढ़ाएंगे ये वाला ये आइए शुरू करते हैं पेज नंबर 7 इसमें आयुष ऋतिक कहाँ पे आयुष आयुष की पेज ऋतिक की पेज तुम लोग ये बताओ जैसे मैंने कोई नोट सुना कि इसमें फोटो खींची है तो उसको मैं शेयर से आऊंगा ना लेके मैं अपनी स्क्रीन शेयर कैसे करूंगा यस सर मैंने इसका नोट लिखवाने वाला काम शेयर पे आएंगे तो शेयर पे आए अब क्या करूं मैं होम स्क्रीन पे आ जाइए अपने अच्छा फोन फोटो फोटो कर दूं डॉक्यूमेंट ना अभी तो आपका स्क्रीन नहीं शो कर रहा है अच्छा रुक हो रहा है सर हो गया ये पहला आ गया ना यस सर अच्छा ये चारों दिखाएगा सर जूम करिए जूम करें अच्छा वीडियो बंद हो गया आपको हाँ तो कोई दिक्कत नहीं चल रहा है आपकी स्क्रीन चल रही है सर वो दिख रहा है इमेज दिख रही है आपका स्क्रीन शो कर रहा है आपकी स्क्रीन चलेगा वही शो करेगा अच्छा अच्छा इसको करूं मैं यस सर जूम कहां से होगा भाई सर हट गया फिर से शेयर करिए अच्छा फिर हट गया
फिर हट गया सर अरे दिवाकर बोलो भाई आ गया यस यस आ गया इसको जूम कैसे करेंगे सर हम लोग को जूम कर ले रहे हैं नहीं आ जूम हो जा रहा है इसमें आप लोगों को जो लिखा है दिख रहा है सर हम लोग कर सकते हैं हां सर दिख क्या लिखा है कोई पढ़ के बताए ऊपर क्या लिखा है Vegetative reproduction. Reproduction does not involve meiosis and fusion of gametes, so called asexual reproduction. New plants are produced. Yes sir. Yes sir. चलो तब तो काम हो जाएगा तब तो मैंने सारे ऐसे बना लिख लिख के टाइप किए हैं मतलब इसमें लिखा हुआ है बस आपको पढ़ते जाना है बस हाँ लिखवाने में टाइम भी लॉस होता है मजा भी नहीं आता आइए शुरू करते हैं तो प्लांट्स के केस में देखो जो कल मैंने पढ़ाए थे एग्जाम्पल वो एसेक्सुअल वाले उसमें क्या था कि वो ज्यादातर एनिमल्स के केस में था बस देखो ध्यान सुनो इस बात को कि अगर प्लांट के केस में माइटासिस हो और उससे जो है नए प्लांट का निर्माण हो तो उसी को जो एनिमल में एसेक्सुअल कह रहे हैं उसी को प्लांट में हम लोग सेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं जिसे एनिमल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं उसी को प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं अगर कोई हिंदी मीडियम से होगा तो इसे हिंदी में वर्धी जनन कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो प्लांट के केस में होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल के केस में होता है अब दोनों में डिफरेंस क्या है ध्यान सुनिएगा इस बात को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर प्लांट में हो भी रहा है तो यो यूनिसेलुलर प्लांट में हो रहा है मोनेरा और प्रोटिस्टा में अगर हो रहा है तो लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की तीसरी फिगर लाइन अगर आप देखेंगे मैंने लिखा है कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म होते हैं जिनमें फ्लावर लगते हैं स्क्रीन दिख रही है सबको यस सर यस सर स्क्रीन का तीसरा लाइन देखिए लिखा है कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट फ्लावरिंग प्लांट किस प्लांट को कहते हैं एंजियोस्पर्म को कहते हैं तो एंजियोस्पर्म जो है उन प्लांट्स में अगर माइटोसिस के द्वारा रिप्रोडक्शन हो रहा है कोई बॉडी की उनके प्लांट की रूट हुई स्टेम हुआ लीफ हुआ ये कोई चीज बढ़ के और उससे जो है नए प्लांट का निर्माण हो रहा है जिसमें डिवीजन माइटोसिस हो रही है इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं तो देखिए इसके सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो तीसरी लाइन है कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ऊपर जो लिखा है हेडिंग पड़ी है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको हमेशा याद रखना है एनिमल के केस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं जबकि प्लांट के केस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं इसके लिए एनसीईआरटी ने लिखा है टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रीक्वेंटली यूज इन प्लांट्स और वो स्ट्रक्चर जो प्लांट्स में डेवलप होते हैं और नए पौधे को बनाते हैं उन्हें हम लोग वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स कहते हैं जैसे सब लोगों ने आई सुना होगा आलू में जो आई पाई जाती है गांव कहते हैं आई बड्स पड़ा है ना भाई तो वो जो आई है आलू से ही तो निकलती है जब आलू लगाई जाती है तो आलू का बीज लगाया जाता है कि आलू को काट काट के लगाया जाता है अगर कोई एशिया कॉन्टिनेंट का बता सकता है एशिया से हो आलू काट के लगाए जाते हैं या छोटी छोटी आलू सीधे जो है वो उसमें जो उसकी नाली होती है उसमें फंसाते चले जाते हैं वो जो स्ट्रक्चर है जो सर कट कट के सर हाँ कट कट के भी जैसे स्थिति रहे तो उसे हम लोग आईज कहते हैं ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे बताइए गंजी जो होती है शकरकंद जो होती है उसका बीज लगता है कि उसका तना लगता है पौधा लगता है शकरकंद का अगर आपको याद हो तो इससे शकरकंद को फैला के उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा के तैयार हो जाता है क्या भाई यही होता है ना ये सब ठीक है आइए काम की बात करते हैं तो जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप किसके केस में कहेंगे एनिमल्स के केस में और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके केस में कहेंगे प्लांट के किस प्लांट के केस में कहेंगे लोअर प्लांट के या हायर प्लांट के फॉर्मेशन हो भी सकता है नहीं भी सकता है तो मैंने लिखा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व मियोसिस एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स सो कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
अब उसमें होता क्या है, जैसे आई है, ट्यूबर है, ऑफसेट है, बल्बिल है, करियंस है, कर्निल्स है, ये सारे स्ट्रक्चर पौधों से डेवलप होते हैं और नए पौधों का निर्माण करते हैं टूट करके। अच्छा जब बताओ, जब माइटोसिस होगी तो जो नया पौधा बनेगा वो जेनेटिकली पेरेंट से सिमिलर होगा या डिफरेंट होगा? सिमिलर होगा। अगर माइटोसिस हो रही है तो जो नया पौधा बनेगा, जो नया स्ट्रक्चर डेवलप होगा, वो अपने पेरेंट प्लांट के सिमिलर होगा और जेनेटिकली सिमिलर होगा। जो आपने कहा वो बात सही है, इसके लिए एनसीईआरटी में लिखा है या जो नोट्स है, न्यू प्लांट्स आर इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट एंड नियरली फॉर्ड इंडिविजुअल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट प्लांट, लिखा है जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट प्लांट। तो ये स्ट्रक्चर है, तो ये मतलब ये कॉन्सेप्ट है कि इसका टोटल मोटा मोटा कॉन्सेप्ट हुआ कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हायर प्लांट्स में कहेंगे ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्योंकि इसमें मियोसिस नहीं होती है, फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में कहते हैं, और इससे जो नया स्ट्रक्चर डेवलप होता है, जो नई संतान आती है, वह जो होती है अपने पेरेंट प्लांट से जेनेटिकली सिमिलर होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? परेशानी नहीं होगी, क्लियर हो जाएगा, इसको और अच्छे से बनाया जाएगा अब रोज रोज इस पे, क्योंकि जो लॉकडाउन है यूपी का ना, उड़ीसा का और उसका उड़ीसा का और पंजाब का 1 मई तक बढ़ गया है, तो कल जो है इस पे निर्णय आएगा, कल अपने यहाँ गवर्नमेंट निर्णय लेगी, हो सकता है कि अपने यहाँ भी लॉकडाउन आज ही है शायद, हाँ तो आजकल में निर्णय आता है तो अपने यहाँ भी लॉकडाउन 1 मई तक बढ़ने वाला है। Yes, तब हम लोगों के पास एक ही ऑप्शन है पढ़ाई लिखाई का, इसी मोबाइल में जो जितना अच्छा कर पाए वही किया जाए मेरे हिसाब से, और कोई चारा तो है नहीं। Yes, मैं बात फिर से रिपीट करता हूँ जितने लोग सुन रहे हैं, हायर प्लांट के केस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, एकदम ऐसे याद कर लेना, हायर प्लांट का मतलब फ्लावरिंग प्लांट। पहली बात, एसेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के केस में कहते हैं, और इसमें कभी भी मियोसिस नहीं होती है, माइटोसिस होती है, और जो नया पौधा बनता है वह पेरेंट प्लांट के जेनेटिकली सिमिलर होता है, इतना याद करना है। अब ये स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकते हैं, एनसीईआरटी ने कहा कि स्ट्रक्चर रनर हो सकते हैं, राइजोम हो सकते हैं, शकर हो सकते हैं, ट्यूबर हो सकते हैं, ऑफसेट हो सकते हैं, बल्ब हो सकते हैं, चिंता मत करिएगा, नाम सुनिए बताइए टोटल संख्या कितनी हुई, रनर 1, राइजोम 2, शक्कर 3, ट्यूबर 4, ऑफसेट 5, बल्ब 6। ये जो मैंने नाम लिया रनर, राइजोम, शक्कर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, ये सब वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, और जब पौधे से टूट करके नए पौधे का निर्माण करते हैं तो इन सबको मिला के वेजिटेटिव प्रोपागुल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपागुल। देखिए अगली हेडिंग क्या लिखी है, दिख रही स्क्रीन पे, वेजिटेटिव प्रोपागुल मैंने लिखा है, द डिटेचेबल। अच्छा ये बताओ, ये जो रनर है, राइजोम है, शकर है, ट्यूबर है, ऑफसेट है, बल्ब है, बेटा ये सोमेटिक सेल है कि जर्म सेल है? सोमेटिक सेल। आप एकदम बेफ्रिक होकर बोला करिए, डरिए का नहीं, सोमेटिक सेल है। अब अगर आपने कहा सोमेटिक है तो देखिए मैंने क्या लिखा है, द डिटेचेबल। डिटेचेबल मैंने क्या हुआ, अलग होना, अलग हो जाए, अलग हो जाए। The detachable somatic part that function in vegetative propagation is called vegetative propagule। किसी को अगर स्क्रीन में कुछ क्लियर दिख रहा है बताएं, एग्जांपल में पहला नाम क्या लिखा है, ट्यूबर, दूसरा क्या लिखा है, राइजोम, तीसरा क्या लिखा है, बल्ब, चौथा लिखा है रनर। फिर से रिपीट करता हूँ ताकि आपको ये नोट समझ में आए, मैं एनसीईआरटी लाइन मेरी मैंने अपने हैंड राइटिंग से लिखा है, ट्यूबर है, राइजोम है, बल्ब है, रनर है। तो वेजिटेटिव प्रोपागुल किसे कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपागुल उसे कहेंगे जो डिटेचेबल है, मेन पेरेंट प्लांट से टूट करके अलग हो जाता है। जैसे कल आपने नहीं देखा था, बड भी तो अलग हो जाता है ईस्ट में, बीज बड जुड़ा रहता है कि अलग हो जाता है, अलग हो जाता है, अलग हो जाता है। तो जब कोई चीज अलग हो जाती है तो उसे डिटेचेबल कहेंगे। सोमेटिक पार्ट है, उसके जर्म सेल नहीं है क्योंकि हायर प्लांट है ना भाई, हायर प्लांट में सोमेटिक सेल जर्म सेल दोनों होगी, तो ये जो पार्ट है ये सोमेटिक पार्ट है, और मेन पेरेंट प्लांट बॉडी से अलग होके नए प्लांट का निर्माण करती है। आप लोगों में कोई बता सकता है
कि केले का सीड लगता है, पेड़ लगता है कि पत्ता लगता है कि जड़ लगता है? किसी ने कभी केला लगाया हो? कभी किसी लड़के ने, लड़के लड़की ने, किसी ने घर में केले के पेड़ को कभी लगाया है? बोलो भाई सर। किसी ने कभी गांव को देखा हो बता सकता है? केले में बीज लगाया जाता है, मतलब केले का बीज लगाते हैं खेतों में या घरों में? क्या लगाते हैं कोई बच्चा बताए? सर ये लगाते हैं। क्या लगाते हैं बताओ? दिवाकर पेड़ लगाते हैं। दिवाकर पगला गए हो? दिवाकर यस सर। क्या लगाते हैं? पेड़ लगाते हैं, बीज लगाते हैं केले का? पेड़ लगाते हैं। पेड़ लगाते हैं। अच्छा, वो पेड़ जो होता है अलग से गलकेट करते हैं, जो पुराने पौधे बगल में ही से बगल में लगा रहता है उसी काट करके लगाते हैं ना? बगल वाला। हाँ, उसे बगल चिपका रहता है, उसके छोटे से पार्ट को निकाल करके दूसरी जगह लगा जाते हैं। अच्छा, प्याज में क्या लगाते हैं? बीज लगाते हैं? ये नहीं सर, पेड़ लगाते हैं। क्यों भाई? क्या चीज है? दे रहा मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ ना, थोड़ा सा आपके दिमाग में चल जाए तो अब आइए। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में होगा, प्याज हो गया, शकरकंद हो गई, आलू हो गई, इन सारे स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर है, वो जो आप स्ट्रक्चर कट कट करके लगाते हैं उन्हें हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगुल कहते हैं। अच्छा, जब इतना हो गया तो एक कोई बता दे गन्ने में क्या लगाते हैं? सर वही पेड़ काटते हैं, गन्ने को बीच बीच में काट के सेक्शन काट देते हैं, उसकी नाट नोट से जो है छोटे छोटे पौधे निकलते हैं और उन्हीं पौधे को लगाते हैं, अगर आपको याद हो तो। यस ना, यस बता रहा हूँ, यही होता है। तो बताइए, वो जो गन्ने का वो जो काट के लगाते हैं, रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होती है, स्टेम होता है, स्टेम होता है, बिल्कुल सही बताया। स्टेम मंगेश बोला, मुझे लग रहा है। यस सर, मंगेश मंगेश बोला। चलो आइए, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मेरी आवाज क्लियर जा रही है? यस सर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमेशा हायर प्लांट से, मतलब हायर प्लांट का मतलब फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग मतलब एंजियोस्पर्म में कहते हैं, एंजियोस्पर्म में कहते हैं जिनमें फ्लावरिंग होती है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर प्लांट में हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर प्लांट में और एनिमल दोनों में होती है। पॉइंट टू बी नोटेड माय स्टूडेंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर प्लांट और एनिमल दोनों में हो सकती है, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन केवल जो है हायर फ्लावरिंग प्लांट में हो सकती है। फिर से क्लियर करिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर प्लांट और एनिमल दोनों में हो सकती है, जबकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन केवल और केवल हायर फ्लावरिंग प्लांट में हो सकता है। मैं नहीं कहता हूँ, मेडिकल कटिका एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना है, नहीं गलत करके चले आओगे। पूछा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन हायर फ्लावरिंग प्लांट्स। याद रखियो, गलती मत करियो। डिफरेंस ये है, आप कंप्यूटर है, उस चीज को दूसरी निगाह से देखना है, आप सामान्य तरह से कोई भी पढ़ के निकल जाएगा। और दोनों के कैसे सिमिलरिटी क्या है, ना वहां मियासिस हो रही है ना यहाँ मियासिस हो रही है, ना वहां गैमेट बन रहा है, वहां गैमेट भी बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, यहाँ भी वही स्थिति है। और यहाँ पर दोनों मोनोपेरेंटल है, कॉमन केस है, दोनों माइटोसिस हो रही है, दोनों जो नए पेरेंट हैं, बच्चे हैं, ऑफस्प्रिंग सिमिलर है, अपने पेरेंट के जेनेटिकली सिमिलर, नहीं जेनेटिकली सिमिलर, ये आप। और वो जो स्ट्रक्चर है, रनर, राइजोम, बल्ब, स्टोलन्स, इन सारे स्ट्रक्चर को सोमेटिक सेल है, मेन पेरेंट प्लांट बॉडी से अलग हो जाती है, इसलिए इनको हम लोग वेजिटेटिव, अगर कोई कहे क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगुल कहते हैं। मैंने आपको आपकी एनसीईआरटी का 7 नंबर का पेज पढ़ा दिया जो लिखा हुआ है। अब आपके 7 नंबर के एनसीईआरटी पे पेज पे 5 फिगर बने हैं, उन 5 फिगर को हम लोग साफ करना शुरू करेंगे। अगर कोई एनसीईआरटी रखा है क्या बगल में किसी के पास? यस सर। टोटल फिगर कितने बने कोई बताए? 5 बने हैं। पहले आई का बना है, दूसरा जो है बट का बना है, एडजेसेंट बट का, तीसरा बल्बिल का बना है, चौथा लीफ का बना है, पांचवा ऑफसेट का बना है। यस सर। आपको बताऊं, पिछले साल नीट में इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि ऑफसेट जो है उसमें डिवीजन कौन सा पाया जाएगा, माइटोसिस पाई जाएगी या मियोसिस पाई जाएगी? माइटोसिस पाई जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन, 4 नंबर का नीट में आया हुआ था। तो आइए देखिया जाए इसमें आगे। आप कोई बताए, मैंने कहां तक पढ़ा दिया? एग्जांपल्स के ऊपर तक पढ़ा दिया, नोट्स पे एग्जाम्पल्स के आगे जो पहला एग्जाम्पल आपके यहाँ है बाई रूट, वो कौन कौन से पौधे हैं जो रूट के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब उनकी जड़ को काट काट के अगर दूसरी जगह लगा दें
तो नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। देखिए देसी भाषा सीखना है वो ज्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो देखिए अगर शीशम का जो होता है, शीशम का वैज्ञानिक नाम डेलवर्गिया सिस्सो है, कितना बढ़िया है, डेलवर्गिया सिस्सो, सिस्सो शीशम, सिस्सो शीशम, सिस्सो शीशम, डेलवर्गिया सिस्सो है। और दूसरा जो पौधा है उसका नाम पापुलस का प्लांट, पापुलस कोई पौधा है। इन दोनों केस में तो बता सकता है, और क्या लिखा है, बाई रूट क्या के दो एरो लगी है, टैप रूट एंड एडवेंटेशियस, टैप रूट और एडवेंटेशियस रूट। जो टैप रूट है उसके द्वारा डेलवर्गिया सिस्सो और पापुलस जो है रिप्रोडक्शन करते हैं। मतलब अगर डेलवर्गिया सिस्सो शीशम के पौधे की टैप रूट एडवेंटेशियस रूट आप लोग समझते हैं, टैप रूट वो होती है जिसकी एक मोटी सी जो रूट है जमीन के अंदर चली जाती है, एडवेंटेशियस रूट जो होती है छोटी छोटी रूट निकलती है, क्यों भाई मल्टीपल रूट्स होती है, उसमें मेन रूट कोई नहीं होती है। Yes, तो अगर आपसे कोई पूछे कि टैप रूट के द्वारा कौन सा पौधा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है, तो आपका जवाब होना चाहिए डेलवर्गिया सिस्सो, सेकंड में क्या लिखेंगे शीशम, और दूसरे पौधे का नाम क्या लिखा है पापुलस। ये दो ऐसे पौधे हैं जिनमें बाय रूट जो है रूट के द्वारा टैप रूट के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा लिखा है बेटा एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस माने ये रूट फाइन रूट होंगी, छोटी छोटी साइज रूट होंगी, इन्हें एडवेंटिशियस रूट कहेंगे। एग्जांपल अगर आप देखिए, नाम देखिए मजा आएगा आपको, इपोमोइया बटाटा, कोई बोल सकता है, बोलो मेरे साथ इपोमोइया बटाटा, इपोमोइया बटाटा, ब्रैकेट में लिखा है स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो माने कोई जानता है कौन सी पोटैटो, ये घर वाली जो शकरकंद होती है, शकरकंद, तो इपोमोइया बटाटा में जो जो अभी आपसे पूछ रहे शकरकंद कैसे लगा जाता है, आपने कहा सर ऐसे फैला देते हैं फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, नहीं पौधे तैयार हो जाते हैं शकरकंद के, तो ये जो शकरकंद में है इसमें टैप रूट के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है या एडवेंटिशियस रूट के द्वारा, एडवेंटिशियस रूट के द्वारा। दूसरा नाम अगर आप देखिए तो टॉपिकाना लिखा हुआ है, तीसरा नाम डहेलिया लिखा है और चौथा नाम लिखा है यम्मी यम्मी, क्या लिखा है, ये लिखा है यम्मी यम्मी प्लांट लिखा है। अब इस पेज पे जो आपको मैंने शेयर किया है आपको आपकी स्क्रीन पे, इसमें मैंने आपको पढ़ाया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपेगुल, और एग्जांपल के तौर पे पहला एग्जांपल पढ़ाया बायरूट के तौर एग्जांपल पढ़ाए टैप रूट के द्वारा डेलवर्गिया सिस्सो और एडवेंटिशियस रूट के द्वारा इपोमोइया बटाटा, इपोमोइया बटाटा, कॉमन नेम क्या इसका स्वीट पोटैटो, पोटैटो। तीसरा एग्जांपल इसका टॉपिकाना है, तीसरा एग्जांपल इसका डहेलिया है, और चौथा एग्जांपल इसका यैम है, कौन सा पौधा है यैम है। पहला तरीका हो गया बायरूट, अगर आपको याद हो जाएगा तो याद हो जाएगा, अगर पूछेंगे किसे नहीं पूछेंगे इसका जिक्र नहीं है, किसका जिक्र नहीं, बाय रूट वाले, रूट वाले का एग्जांपल एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, तो आपको फुर्सत नहीं है। तो ये जो स्क्रीन मैंने शेयर किया आप लोगों ने इसको वो क्या कहते हैं कैसे आप लोगों के पास पहुंचेगी, मतलब ये रहेगी ना मोबाइल के अंदर, दोबारा से हो गई, हाँ सर अच्छा, आप दूसरी कैसे शेयर करेंगे, फिर सोई जाके दूसरी आप स्लाइड कीजिए उसको, नहीं स्लाइड तो नहीं हो रही, ये फोटो है कि डॉक्यूमेंट, अरे फोटो सर कैसे आप दूसरा देखेंगे, अब फिर वही फोटो में ज्यादा पड़ेगा ना, ओके भाई मैं ही चाहता हूं दिवाकर, हां दिवाकर कहां गया, यहीं पे है सर, अच्छा आ गया फिर दिख रहा है, yes, sir. Yes, sir. अभी याद रखिएगा लास्ट में हम लोग बात करेंगे, पहला एग्जांपल मैंने आपको पढ़ाया था बाय रूट, याद है, yes, sir. बाय रूट yes, में मैंने आपको दो रूट पढ़ाया है, टाइप रूट के द्वारा और एडवेंटिशियस रूट के द्वारा, टाइप रूट के द्वारा कौन सा एग्जांपल था कोई बता सकता है, डेलवर्गिया सिस्सो, डेलवर्गिया सिस्सो, और एडवेंटिशियस रूट के द्वारा कौन सा एग्जांपल था, दूसरा नाम यैम प्लांट था और ऐसे का नाम और था मुझे भूल गया, आइए दूसरा एग्जांपल देखिए, हाँ डहेलिया, गुड गुड, आइए दूसरा एग्जांपल देखिए बाय अंडरग्राउंड स्टेम्स, अंडरग्राउंड स्टेम्स मतलब वो स्टेम जो जमीन के अंदर पड़े हुए बाय स्टेम्स, दो तरफ होगा, एक अंडरग्राउंड होगा और एक ग्राउंड के ऊपर होगा, ओवरग्राउंड होगा,
तो दूसरा एग्जांपल जो है इन्होंने दिखाया है वो दिखाया बाय अंडरग्राउंड स्टेम। इसका मतलब जो ट्यूबर है, ट्यूबर मैंने कोई समझता है आलू जो हम लोग खाते हैं ट्यूबर ही तो कही जाती है। तो ये जो बाई ट्यूबर है इसका एग्जाम्पल क्या लिखा है, कोई देख रहा है जो स्लाइड है? शक्कर अभी आ रहा है बेटा, अभी ये सब धीरे धीरे आएगा, अभी देखते जाइए, अभी आपको मिल जाएगा ये, अभी सब आगे है ये। तो देखिए बाई ट्यूबर जो है, एक तो पोटैटो है, दूसरा आर्टिचोक है, ये दो पौधे हैं। ये पहला फिगर आपकी एनसीईआरटी में है मेरे दोस्त। फिर से मैंने क्या कहा, ये पहला फिगर एनसीईआरटी में है मेरे दोस्त। और एनसीईआरटी में अगर आपके पास है तो देखिए लिखा आईज लिखा है और जर्मिनेटिंग आई बड्स लिखा है। आलू जो है, आलू ध्यान सुनिएगा, आलू जो है वो ओवरग्राउंड स्टेम है कि अंडरग्राउंड स्टेम है? अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम है। और इसमें आई के द्वारा पोटैटो और आर्टिचोक से रिप्रोडक्शन होता है ट्यूबर के द्वारा। इसका मतलब जो ट्यूबर है वो अंडरग्राउंड स्टेम है, जिसमें आलू जो होता है जब उसका सीजन आता है बोने वाला, तो आलू दो तरह से बोई जाती है। अगर बड़ी साइज की है तो उसकी पीसेस काट लेते हैं, काटते समय ध्यान रखते हैं कि आई ना कटे। अगर कभी आप खेत में गए हो आलू की खेती होते समय, बोई जब बुआई हो रही हो, येलो येलो होती है, उसको जब काटते हैं ध्यान रखते हैं कि उसमें जो आई निकली हुई है वो ना कटे ना भाई, इसका पूरा ध्यान रखते हैं। अगर आपसे कोई पूछे अंडरग्राउंड स्टेम ट्यूबर कैसा स्टेम है, आप बताएंगे सर अंडरग्राउंड स्टेम है, कहाँ पाया जाता है? हाँ बता दीजिएगा सर, अलुइया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अलुइया, अलुइया में पाया जाता है, बिल्कुल। दूसरा एग्जाम्पल आपको दिख रहा है एनसीईआरटी में, जो हमारा स्लाइड है लिखा क्या है, बाय राइजोम लिखा है। देखिए लिखा है, कोई आगे पढ़ सकता है, इट ग्रोज हॉरिजॉन्टली अंडर सॉइल सरफेस। अंडर सॉइल सरफेस सिंपल क्या लिखा है, बनाना और टर्मरिक। बनाना टर्मरिक, बनाना मतलब केला और टर्मरिक माने हल्दी। हल्दी और केले के केस में जो स्ट्रक्चर जिससे नए पौधे का निर्माण होता है, उस स्ट्रक्चर का नाम राइजोम होता है। ये वर्टिकली डेवलप करता है या हॉरिजॉन्टली डेवलप करता है? हॉरिजॉन्टली। कहाँ, सॉइल सरफेस के ऊपर की सॉइल सरफेस के अंदर? इट ग्रोज हॉरिजॉन्टली अंडर सॉइल सरफेस। तो ये आपको याद रखना है, दिमाग चलाना है प्रॉपर। अब देखिए अंडरग्राउंड स्टेम के दो एग्जांपल हो गए, पहला हो गया बाई ट्यूबर, दूसरा हो गया बाई राइजोम, तीसरा देखिए बाई बल्ब है। बल्ब का एग्जांपल कोई देख रहा है क्या लिखा है? ओनियन गार्लिक। ओनियन माने हुआ ओनियन गार्लिक, ओनियन क्या हुआ ये प्याज, और गार्लिक माने लहसुन। इन दोनों के केस में अब कोई प्याज लगाते समय किसने देखा होगा, प्याज की जो लाइफ साइकिल है वो ढाई घंटे की लाइफ साइकिल होती है। पहले प्याज जो है छोटे से खेत में जगह बो दी जाती है। जब प्याज के छोटे छोटे पौधे निकल के आते हैं तो उनको उखाड़ लेते हैं, उखाड़ के उसकी छोटी छोटी पैकेट्स बनाते हैं। फिर मार्केट में जहाँ सब्जी की मार्केट लगती है, उसी सब्जी की मार्केट के बगल में कहीं किसी किनारे किसान लेके बैठा रहता है, लोग जाते हैं 10 रुपये 15 रुपये पैकेट वो मिलता है, उसको गाँव भाषा में बेरन कहते हैं। फिर उसको ले जाके खेत में दोबारा लगाया जाता है, ऐसे नाली लगा लगा के प्याज को लगा दिया जाता है, फिर उससे पानी चला देते हैं तो पौधे खड़े हो जाते हैं। याद होगा आपको साल भर की निराई गुड़ाई होती है, साल भर तो नहीं होती, 3 महीने 4 महीने की खेती होती है, निराई गुड़ाई होती है तब उसमें प्याज लगते हैं। लहसुन में भी अगर आप देखते हो तो लहसुन का एक जो पूरा होता है फूटी कहते हैं ना, उसको उखाड़ उखाड़ के जमीन में लगा देते हैं जो है डेवलप होता है। तो लहसुन और प्याज में किसके द्वारा डेवलप प्रोडक्शन हो रहा है? लेकिन कॉर्न का ग्रोथ कैसा होता है, देखिए कोई दिख रहा है? वर्टिकली। मैंने इसीलिए इन दोनों चीजों को नोट किया है कि राइजोम हॉरिजॉन्टली डेवलप करता है जबकि जो कॉर्न होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान रखिएगा। मुझे कॉर्न माने ये समझ में आता है, कॉर्न माने कोई जानता है क्या होता है, कोई कौन सा पौधा है ये, कोई बच्चा बता सकता है? मकई। कॉर्न क्या होता है भाई, खेत पर कभी सुना है, कभी इसको खाया है, क्या है ये? सर मकई होता है। मकई होता है पक्का? नहीं कॉर्न माने मक्का होता है, वो तो मैं वहाँ मकई होता है। अच्छा उसके लिखा है कॉर्न का डेवलपमेंट होता है। क्लियर करिए, अंडरग्राउंड स्टेम के द्वारा टोटल कितने नाम दिए गए हैं? 4। पहला दिया गया है ट्यूबर, दूसरा दिया है राइजोम, तीसरा दिया गया है बल्ब, चौथा दिया गया है कॉर्न। ये चारों किसके एग्जाम्पल है?
अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड स्टेम लिखा है ए बी सी और डी चार एग्जांपल याद हो जाएगा यस सर याद हो जाएगा अभी जब मैं पढ़ूंगा पूछूंगा आपसे यस अब टोटल आपके सामने कितने आ गए एग्जांपल 6 आ गए टैप रूट का एडवेंटिशियस रूट का ट्यूबर का राइजोम का बल्ब का और का एग्जांपल कोई देखा बगल में क्या लिखा है कोलकोएसिया और फ्रिसिया क्यों फ्रिसिया फ्री के आगे एसआईए लगा देंगे फ्रिसिया कह सकते हैं कोलकोएसिया फ्रिसिया तो ऐसे पौधे हैं जिनमें कॉर्न के द्वारा डेवलपमेंट होता है कॉर्न बल्ब राइजोम ट्यूबर किसके एग्जांपल हैं अंडरग्राउंड किसके एग्जांपल हैं अंडरग्राउंड सिस्टम के याद करना शुरू करो ट्यूबर के एग्जांपल पोटैटो राइजोम का स्ट्रक्चर एग्जांपल बनाना बल्ब का स्ट्रक्चर एग्जांपल ओनियन कॉर्न का एग्जांपल कोलकेसिया और फ्रिसिया टैप रूट का एग्जांपल डेलवर्जिया सिस्टो एडवेंटिशियस रूट का एग्जांपल इपोमोइया बटाटा इपोमोइया बटाटा हो गया Yes, sir. अब आपको मैंने दो पढ़ा दिया बाय रूट पढ़ा दिया और दूसरा पढ़ा दिया बाय अंडरग्राउंड स्टेम पढ़ा हो गया yes, sir. याद हो जाएगा ये yes, sir. Yes, sir. अगर मैं ये पलट दूंगा yes, तो बता देंगे इसके सारे एग्जांपल थोड़ा दिमाग से जोड़ डालिए yes, yes, sir. Yes, sir. जो और लोग बच्चे मैं अलग अलग लोगों से पूछूंगा इसका एग्जाम्पल जो इसके ग्रुप में है Yes, sir. Yes, sir. कसम खा के कहो यस सर वहाँ पे छिपकली होगा बहुत हाँ छिपकली मंगेश क्या छिपकली बहुत है नहीं सर हमारे यहाँ नहीं हाँ अरे यहाँ नहीं है सर अच्छा आओ भाई थोड़ा मैं सूरत दिखा दूँ देखिए कौन सा डाक वो चमकता हुआ चेहरा बीन भरी हुई नागिन लोग यार दूर चले गए मजा कम आ रहा सारा खा के सो रहा हूँ पेश है आपके सामने तीसरी स्लाइड स्क्रीन तीसरी स्क्रीन आपके सामने गई क्रीपिंग स्टेम क्रीपिंग स्टेम क्रीपिंग स्टेम इसके पहले कौन सा स्टेम था अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जांपल कितने थे चार बाय ट्यूबर एग्जांपल बाय राइजोम एग्जांपल बाय बल्ब बनाना बाय बल्ब बाय कॉर्न ओनियन गार्लिक बाई कॉर्न कोलकेशियम फिशिया कोलकेशियम फिशिया कोलकेशियम और फिशिया ना भाई अगला देखा हाँ अगला देखा जाए अब आपके एनसीईआरटी में दो एफटी का मैंने पढ़ा दिया दोस्त एक आई आप पोटैटो पढ़ा दिया सभी राइजोम पढ़ाना है आपको जिंगर राइजोम राइजोम पढ़ा दिया ना मैंने हाँ तो राइजोम किसे पाया जाता है जिंगर में अभी आएगा ये अब देखिए क्रीपिंग स्टेम में पहला क्या लिखा है कोई पढ़ सकता बाई रनर लिखा है रनर ये घासों में पाया जाता है घास माने दूब होता है अगर आप कभी देखिए ग्रास जो होती है जब वो बढ़ना शुरू करती है कुछ दूर बढ़ के जमीन में फिर धंस जाती है फिर पड़ती है फिर जमीन में धंस जाती है फिर बढ़ती है जमीन में धंस जाती है फिर बढ़ती है जमीन में धंस जाती है वो जो स्ट्रक्चर होता है उसे रनर कहते हैं रनर की प्रॉपर्टी क्या है ये भी मैंने लिखा है इलांगेटेड है प्रोस्टेट है सब एरियल है सब एरियल माने क्या हुआ सब एरियल कहीं भी माने नहीं सब एरियल माने कुछ आधा कुछ जमीन में है कुछ बाहर है यस सर ना भाई यस सब एरियल है एग्जांपल क्या लिखा है कोई पता है ग्रासेस ना भाई अगर आपसे कोई पूछे रनर का एग्जांपल कौन है रनर का एग्जांपल कौन है ग्रासेस चौथा जो है वो बाई ऑफसेट है अगला जो एग्जांपल है आपके यहां क्रीपिंग स्टेम का बाई ऑफसेट है अब ऑफसेट पे मैं रुक जाऊंगा सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा जिन्होंने एनसीईआरटी ली हुई है एनसीईआरटी में कितने नंबर का फिगर है जो भी एनसीईआरटी लेके बैठा हो बच्चा वो आराम से बताए सर ये दो नंबर का फिगर है चार नंबर का फिगर है छह नंबर का फिगर है पांच नंबर का जो भी ऑफसेट वाला हाँ पांच नंबर का बिल्कुल सही पकड़ा आपने पांच नंबर का फिगर है इसका डिटेल जो है अगर आपने एनसीईआरटी ली हुई है तो
और अगर आपके मोबाइल में है तो जहां भी आपको पसंद आए आप याद रखना है इसका जो डिटेल है वो 8 नंबर की एनसीईआरटी के पेज पे है। एनसीईआरटी का 8 नंबर का जो पेज है उसके पहले पैराग्राफ में इसका खूब बड़ा डिटेल दिया हुआ है, मात्र पहला पैराग्राफ। मैं इसलिए रुका हूँ बेटा, ये बात समझो, ये पिछले 4-5 साल से जब से नीट हो रहा है इस महाशय से, इस चैप्टर से, इस टॉपिक से, ऑब्जेक्ट से हर साल कुछ चलाता है। मतलब आप समझिए कि इतना खतरनाक ये टॉपिक है, अभी तक जितना पढ़ाया चाहे आप सब भूल जाएं, लेकिन इसके बारे में जो जो पढ़ाऊंगा वो मत भूलिएगा। तो एनसीईआरटी में इसका फिगर नंबर कितना है पहले कंफर्म किया जाए, 5 नंबर का फिगर दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो अभी इसमें हम मोबाइल अच्छा कैमरा दिखा सकता है, नहीं दिखा सकता, अभी ये कैमरा इसके बाद दिखा सकता है, मैं आपको दिखा दूंगा। ऑफसेट के बारे में सुनिए, ऑफसेट जो है पहले आप पढ़िए, देखिए किसी पढ़ सकता बता सकता है, हाँ जूम तो हो रहा है, लिखा है शॉर्ट है, हॉरिजॉन्टल ब्रांच, हॉरिजॉन्टल है, ब्रांच है, और पाया किस पौधे में जाता है, इकॉर्निया में, इकॉर्निया। और दूसरा इकॉर्निया का कॉमन नेम वाटर हायसिंथ है, एक दूसरा पौधा है जिसका नाम पिस्तिया उसमें पाया जाता है, पिस्तिया भी एक पौधा उसमें पाया जाता है। अब ध्यान सुनिएगा मैं बोल रहा हूँ, जितने कमेंट बोल रहा हूँ आपको याद रखना है, एकदम एग्जैक्ट मेरे जजमेंट पर निकल रहे हैं, जितने लोग क्लास में बैठे हैं सबको ये बात पूरे मन से याद करनी है, पहले बता देता हूँ। तो वह ऑफसेट जो पाया जाता है ये कैसा स्टेम है पहले ये तय कर लिया जाए, अंडरग्राउंड है या क्रीपिंग स्टेम है, क्रीपिंग, क्रीपिंग स्टेम, याद हो गया, पहला कमेंट हो गया ऑफसेट के बारे में, पहला कमेंट हो गया कि ये क्रीपिंग स्टेम है। डिवीजन माइटोसिस पाई जाएगी कि मियोसिस पाई जाएगी, माइटोसिस पाई जाएगी, अब ऐसे सुनते जाइए, माइटोसिस पाई जाएगी। ये किस पौधे में पाई जाती है, उस पौधे का साइंटिफिक नेम है, आवाज आ रही मेरी क्लियर? Yes, sir. ये जिस पौधे में पाई जाती है उस पौधे का साइंटिफिक नेम है वाटर है, साइंटिफिक नेम है इकॉर्निया, स्पेलिंग सुन लो EICCHORNIA, इकॉर्निया, और जनरल नेम है वाटर हायसिंथ, क्या नाम है वाटर है, इसे सामान्य भाषा में टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, क्या कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल। मैं अभी सारे सारे पॉइंट क्लियर करूंगा बाद में, दोबारा रिपीट कराऊंगा आपको, जब तक क्लियर नहीं होगा आगे नहीं जाएंगे, यही रुके रहेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे सिर्फ नहीं होना चाहिए, इससे क्वेश्चन आता है। टेरर ऑफ बंगाल इसलिए कहते हैं कि जिस पहली बात तो याद ध्यान रखिए, जितने सारे लोग मुझे सुन पा रहे हैं, ये जो पाया जाता है ये स्टैंडिंग वाटर में पाया जाता है, किस पानी में, स्टैंडिंग वाटर, स्टैंडिंग वाटर माने कौन सा वाटर, जो पानी बह रहा है या जो पानी रुका हुआ है, जो पानी रुका हुआ है, जो पानी रुका हुआ है ना भाई, तो जो पानी ठहरा हुआ पानी है उसे स्टैंडिंग वाटर कहते हैं। दूसरी भाषा में इसे हम लोग लेंटिक वाटर कहते हैं, लोटिक वाटर, लेंटिक वाटर, लोटिक माने जो लोट रहा है पानी, लोटिक माने जो लोट रहा है पानी बह रहा है, और लेंटिक माने जो ठहरा हुआ पानी। तो कुल मिला के समझिए अगली जो लाइन है कि ये पाया जाता है किस पानी में, स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट वाटर माने ठहरे हुए पानी, स्टैंडिंग वाटर पाया जाता है जो पानी ठहरा हुआ है उस पानी में पाया जाता है। बंगाल का इसे टेररिस्ट ऑफ बंगाल कहते हैं, पर इससे जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्रीपिंग, क्रीपिंग स्टेम के द्वारा होता है, डिवीजन माइटोसिस होता है। अगली बात सुनिएगा, टेरर ऑफ बंगाल इसलिए कहते हैं कि जिस पानी में रहता है, जिस पानी में रहता है उस पानी के, पानी का फार्मूला क्या है, H2O, अगर आपको याद हो तो मुझे खूब याद है, जिस दिन पहले दिन केमिस्ट्री वाले सर ने पढ़ाया था, कहा था कि क्रिएटिक वाटर डिपेंड्स ऑन डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट वाटर, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स डिपेंड ऑन डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन एनिमल्स, मतलब एनिमल्स सिर्फ डिपेंड होते हैं। अब सुनिए इसी कहानी, ये प्लांट मतलब वाटर जैसिन या इकॉर्निया जिस प्लांट में पाया, जिस पानी में पाया जाता है वो स्टैंडिंग वाटर है, ठहरा हुआ पानी है, पड़ी हुई ऑक्सीजन को ये ट्रैप कर लेता है, मतलब सारी ऑक्सीजन को यूज कर लेता है। जब इस पानी में ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लेगा तो उस पर रहने वाली फिशेस का क्या होगा, तो जिंदा मर जाएंगे। जब फिशेस मर जाएंगी तो बताइए बंगाली सबसे ज्यादा क्या खाते हैं, चावल और मछली खाते हैं। उनके यहाँ शादियां जो होती हैं वो मछली के जो तालाब होते हैं उनके आधार पर होते हैं। अगर किसी के पास 4 तालाब है, किसी के पास 8 तालाब है, किसी के पास 10 तालाब है, 10 तालाब वाला आदमी अमीर है, 4 तालाब वाला आदमी गरीब है, जिसके पास तालाब नहीं हो बीपीएल कार्ड वाला है,
समझ रहे नहीं, तो बंगालियों इसे टेरर ऑफ बंगाल इसलिए कहते हैं कि बंगाल में जो तालाब है जहाँ मछलियां पाली जाती हैं, तालाब का पानी ठहरा ही होता है, उस सारे तालाब के पानी में पड़ी हुई ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, इस चक्कर में वहां पर जो फिशेस होती हैं उनकी डेथ हो जाती है। जब डेथ हो जाती है तो बंगाली लोग इसे टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टेरर ऑफ बंगाल। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जिस पानी में पाया जाएगा वो पानी नॉर्मल होगा या पोल्यूटेड वाटर होगा। पोल्यूटेड वाटर माने ये वाटर, अभी आपने वाटर पोल्यूशन पढ़ा हो, वाटर पोल्यूशन का सीधा संबंध ये होता है कि अगर पानी में ऑक्सीजन का लेवल गिर गया तो उसे हम लोग पोल्यूटेड वाटर कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जिस पानी में पाया जाए तो वो पानी पोल्यूटेड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर हायसिंथ या इकॉर्निया इज द इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन। बोलो बोलो, ये बात क्लियर करना जितने लोग बैठे हैं सिंसियरली। अगर आप लेटे हुए तो आपने लेटे हुए तो अपने सिर के ऊपर कंबल डाल लीजिए, रजाई डाल लीजिए, तो ध्यान सुनिए। कहा कोई चार छह कर रहा है? हेलो, हाँ सर आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, बोलते रहो तुम। हाँ एकदम एक्टिव रहना यहाँ पे, मैं इससे भी टिका हूँ, भागूंगा नहीं जब तक ये क्लियर न हो जाए, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन आता है इसलिए मैं टिका हूँ। तो फिर से क्लियर कर लेते हैं, ये जिस पानी में पाया जाता है उस पानी के ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेता है, ऑक्सीजन का अमाउंट उस पानी में कम हो जाता है और उनमें रहने वाली फिशेस की डेथ हो जाती है, इसलिए इसे टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। याद हो जाएगा? यस सर। इसे टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। साइंटिफिक नेम इसका क्या है? इकॉर्निया है। जनरल नेम इसका वाटर हायसिंथ, ठीक है। और दूसरी बात, हायर प्लांट है, किस पानी में पाया जाता है? स्टैंडिंग वाटर में पाया जाता है। और इसकी खास बात है, इसकी जो ग्रोथ होती है वो क्रीपिंग स्टेम के द्वारा होती है। किस स्टेम के द्वारा होती है? क्रीपिंग स्टेम के द्वारा, ऑफसेट के द्वारा निर्माण होता है। और आपको बता दूं जलकुंभी की तरह ये बढ़ता है, जैसे जलकुंभी, सारी जलकुंभी ही है ये ऑफसेट। इसकी चर्चा पूरी एनसीईआरटी में तीन अलग अलग जगह पे हुई है। देखिए मैं टिका हूँ, अभी भाग नहीं रहा हूँ, दुनिया का ध्यान से नहीं गलत हो जाएगा। पूरे एनसीईआरटी में इसकी चर्चा तीन अलग अलग पेजेस पे हुई है। एक तो चर्चा यहाँ 8 नंबर के पेज पे है, दूसरा इसकी चैप्टर माइक्रोबायोलॉजी में है, और तीसरी चैप्टर इसकी इकोलॉजी में है। इकोलॉजी में क्यों चर्चा है कोई बता सकता है? इकोलॉजी में इसलिए चर्चा है कि ये इंडिकेटर ऑफ कौन सा पोल्यूशन? वाटर पोल्यूशन। जिस पानी में पाया जाएगा वो पानी वाटर पोल्यूटेड होगा, उस पानी में पोल्यूशन होगा। अच्छा पोल्यूशन किसने का किया? इसने किया कि एनकेटी ने? इसने किया। के लेवल को कम कर दिया, ऐसे में जो फिशेस थी उनकी डेथ हो गई। अगली बात आपको याद रखना है, हाँ रिडक्शन हो गया उसका। इसका मतलब ये एक बात और ध्यान रखिएगा, ये इनवेजिव वीड है। इनवेजिव वीड है, ये पहले भारत में नहीं थी, किसी कंट्री से आई है। और इसका जो रिप्रोडक्शन होता है वह जो होती है किसके द्वारा होती है? क्रीपिंग स्टेम के द्वारा। एक बात आपको और बताऊं, इसके फूल और पत्तियां बड़ी सुंदर होती है, ध्यान सुनिएगा। फूल और पत्तियां क्या होती है? बड़ी सुंदर होती है, इससे यह लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, समझ रहे हैं। और इसको किसी भी पानी के रिजर्वायर से, वाटर बॉडी से निकाल पाना बहुत ही टफ काम है। वाटर बॉडी से निकाल पाना बहुत ही टफ काम है, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन किसके द्वारा होता है? ऑफसेट के द्वारा। अब टोटल इसका व्यू बता रहा हूं मैं, सुनिएगा ध्यान से। पहली बात, वाटर हायसिंथ में रिप्रोडक्शन क्रीपिंग स्टेम के द्वारा होता है, जिसका एग्जांपल ऑफसेट है। पहला कमेंट, क्योंकि इसके बारे में पूछा जाएगा कि चल द फॉलोइंग रॉन्ग अबाउट वाटर हायसिंथ, ऐसे क्वेश्चन आएगा दोस्त। तो इसके बारे में कम से कम 5 कमेंट आसान से बन जाते हैं, वो मैं 5 कमेंट आपको क्लियर कर देता हूँ। वाटर हायसिंथ में जो रिप्रोडक्शन है वो क्रीपिंग अंडर क्रीपिंग स्टेम के द्वारा है, जिसका नाम बल्ब है, ऑफसेट है। इसमें डिवीजन जो पाया जाता है वो माइटोसिस पाई जाती है। ये इनवेजिव बीड है, इसके ब्यूटीफुल फ्लावर और लीफ लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसे टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, क्योंकि यह पानी में पड़े हुए ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेती है, ऐसे में पानी में ऑक्सीजन का लेवल गिर जाता है और इसमें रहने वाली चीज, ठीक है। हाँ, और इतना याद करना है इसके बारे में, इनवेजिव बीड है याद करना है, और यह इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन है। जिस पानी पाया जाएगा वह पानी पॉल्यूटेड होता है, क्योंकि यह उससे पड़ी हुई ऑक्सीजन को खुद ही ट्रैप कर लेता है।
अगला जो एग्जांपल है क्लियर हो गया ना ये बगल मैंने क्या क्या लिखा जरा से देखिए थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ पहला लिखा है टेरर ऑफ बंगाल दूसरा अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखिए लिखा है इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन तीसरा ट्रैप करके देखिए लिखा है इट ट्रैप ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर हेंस फिशेस क्या डाइज हेंस फिशेस डाइज ये हो गया अगला देखिए क्रीपिंग स्टेम का पहला एग्जाम्पल था रनर इसका एग्जाम्पल क्या था ग्रासेस क्लियर आपका वीडियो नहीं आ रहा है अरे नहीं तो वीडियो नहीं जब तक ये स्क्रीन दिखेगा वीडियो नहीं दिखेगा ना इसमें यस सर अरे वीडियो मतलब फोटो भी नहीं दिख रहा हां अच्छा अब दिख रहा हूं यस यस सर मैं देख रहा हूं यस सर अच्छा चलो ठीक है मुझे लगा कि अच्छा अच्छा मैंने इसका वीडियो कर दिया था ठीक है तो बाय रनर के द्वारा एग्जांपल कौन सा है दोस्तों बोलो बेटा ग्रासेस बाय ऑफसेट का एग्जांपल क्या है इकॉर्नी और क्या पिस्टन इकॉर्नी और पिस्टिया बाय स्टोलेंस का एग्जांपल देखिए स्टोलन भी जो है क्रीपिंग स्टेम है स्ट्रॉबेरी माने क्या होता है कोई बता सकता है किसका मतलब सर स्ट्रॉबेरी कोई फ्लावर है यार ये फूल है अरे अरे हम लोग जो पीते हैं यार ये स्ट्रॉबेरी पीते हैं ना हम लोग स्ट्रॉबेरी फ्रूट लीची सर लीची में लीची वहाँ लीची है तो स्ट्रॉबेरी वाइलिसनेरिया में स्टोलेंस के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है किसके द्वारा होता है स्टोलेंस तो याद करना पड़ेगा स्टो एल ओ एन एस अच्छा बताओ स्टोलेंस अंडरग्राउंड स्टेम है क्रीपिंग स्टेम है क्रीपिंग स्टेम क्रीपिंग स्टेम है शक्कर के द्वारा एग्जांपल ये होता है पाइनएप्पल पाइनएप्पल क्या होता है भाई दिवाकर बताया गुड गुड तो देखो भाई क्रीपिंग स्टेम के टोटल हमारे जो मैंने आपको शीट जो शेयर किया है इसमें क्रीपिंग स्टेम के टोटल एग्जाम्पल कितने लिखेंगे चार बाय रनर का एग्जांपल ग्रासेस बाय ऑफसेट का एग्जांपल इकॉर्निया बाय स्टोलेंस का एग्जांपल वैलिसनेरिया एस्ट्रॉबेरी और बाय सकर का एग्जांपल क्राइसेंथियम या पाइनएप्पल याद हो जाएगा यस यस देखिए ध्यान से देखिए जो मैंने पेजेस बनाए हैं अगर मैंने अंडरग्राउंड के स्टेम लिखा तो उस पे टोटल अंडरग्राउंड के एग्जांपल लिखे हैं क्रीपिंग स्टेम के लिखे सबसे मार्क क्रीपिंग स्टेम के एग्जांपल लिखे हैं ना स्क्रीन शेयर कीजिए क्रीपिंग स्टेम बेटा स्क्रीन शेयर कीजिए स्क्रीन शेयर अच्छा स्क्रीन शेयर करें अब दिख रहे हैं अभी नहीं ये अभी दिख नहीं रही स्टोरी रनर ऑफसेट वाली नहीं अभी कुछ नहीं दिख रहा एक मिनट मुझे थोड़ा सीखने आ रहा है ना मजा आ रहा है मैं आपको ऐसे कुछ कुछ बना के सिखाऊंगा अब देख रहा हां सर आ रहा है अगर भाई चलो बाय रनर का एग्जांपल क्या है बेटा ग्रासेस ग्रासेस बाय ऑफसेट का एग्जांपल क्या है कॉर्निया बाय स्टोलेंस का एग्जांपल क्या है वेलिसनेरिया और बाय सकर का एग्जांपल क्या है पाइनएप्पल अच्छा ये बताइए जितना मैंने आपको ऑफसेट के बारे में बताया है आप लोगों में कोई आदमी है जो सब कुछ बता सकता है मुझे नहीं कोई परेशानी नहीं है अगर आप सब बता सके मुझे अच्छा लगेगा कल रिपीट करके आए कल हम लोग बात कर लेंगे सही रहेगा आज आप पढ़ लीजिए कल आप रिपीट करके आइएगा तो कल हम आपसे पूछेंगे आप बताइए टोटल एग्जांपल आपको मैंने कितना पढ़ा दिया आप पढ़ा दिया टोटल एग्जांपल 8 to 10 मैं सबके नाम बता रहा हूँ टैप रूट एडवेंसियस रूट हो गया बाई बाई फिर बाई क्या था बाई ट्यूबर बाई राइजो 10 पढ़ा दिए हाँ 10 हो गए बाई बल बाई कॉर्न रनर बाई ऑफसेट बाई स्टोलन बाई शक्कर 10 हो गए यस सर पेज है आपके सामने लास्ट स्क्रीन आज के लिए ये देखिए लास्ट स्क्रीन आपके सामने आ गई है खुल जा सकती ठीक अब ये अलग अलग एग्जांपल जैसे देखिए पहला लिखा है बाई एरियल सूट अभी आपसे मैंने पहले गन्ने की बात की थी यार सूट किसे कहते हैं जमीन के ऊपर पौधे का वह पार्ट जो जमीन के ऊपर उसे सूट कहते हैं और जमीन के अंदर जो पार्ट होता है उसे रूट कहते हैं ना भाई तो एरियल सूट एरियल सूट का एग्जांपल कोई देख सकता है जूम करके देख लीजिए क्या लिखा है सुगर केन लिखा है और अपलसिया लिखा है मुझे लगता है इससे आप सब लोग बहुत ही फैमिलियर होंगे ये बहुत टफ काम नहीं आपको बताना ये सबको याद हो जाएगा
Yes, sir. Sugar cane कौन सा stem है? Shoot है? Aerial shoot. देखिए, ध्यान सुनिए. पहले मैंने by root पढ़ाया, फिर दूसरा पढ़ाया by underground stem, फिर तीसरा पढ़ाया by creeping stem, और अब चौथा example है aerial shoot के द्वारा. तो गन्ने में क्या करते हैं? अच्छा, गन्ने में जो नए गन्ने का पौधा निकलता है, कोई बताए, नोट से निकलता है कि इंटर नोट से निकलता है? नोट से निकलता है हाँ, जहाँ तो गन्ने का मिड पॉइंट होता है वहां से निकलता है. तो गन्ने का जो ब्रैकेट खत्म हो गया. अब आओ बेटा, यार ये पांचवा नंबर को है बाय लीव्स दिया है, पत्तियों के द्वारा डेवलप ग्रोथ. बताइए, अगर किसी पौधे का पत्ते गिर जाए और उसी पत्ते से नए पौधे का निर्माण हो जाए, कितनी बड़ी बात है. पत्ते से नए पौधे का विकास होगा. ऐसा सोचिए, हमारे यहाँ ऐसे, हमारे यहाँ अगर आप याद हो ना, तो हमारे यहाँ कुछ लोग थे जिन्हें हम लोग कहते थे वो रक्त जीवी. कोई बता सकता है रक्त जीवी क्या होता है? यस सर, मतलब जितने सेल हो हर सेल से वो जीव पैदा हो जाए. तो आरबीसी पैदा होगा, डब्ल्यूबीसी पैदा होगा. नहीं है डब्ल्यूबीसी से नए जीवन निर्माण हो जाए. जो अगला आपके यहाँ है ब्रायोफिल्म दिया गया है, अब बाय लीव्स है. मैं आपसे फिर पूछता हूँ, जिनके पास एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में किस नंबर का फिगर है ये? फोर्थ नंबर. गुड. और ये फोर्थ नंबर का ये फिगर है, लेकिन इसका जो डिटेल है आठ नंबर के पेज पे सेकंड पैराग्राफ में. फर्स्ट पैराग्राफ में वाटर यासिन का है और सेकंड पैराग्राफ में ब्रायोफिल्म का है. कोई बता सकता है इसे बड़ा समय ने 60 में क्या लिखा है? बाय लीव्स समझ लीजिए ब्रायोफिल्म. लेकिन ऐसे थोड़ा सा आप इसको जूम करेंगे तो लिखा है ये याद, आपको याद करना है कि ब्रायोफिल्म के केस में जब पत्ती जमीन पे गिरती है, उस पत्ती के किनारे से नए पौधों का निर्माण होता है, मार्जिन से होता है, एनसीईआरटी ने भी लिखा हुआ है, इसलिए इसे एडवेंचरस बड्स का निर्माण होता है. और इस तरह से ब्रायोफिल्म में एक पत्ती से नए पौधे का निर्माण होता है, ये आपको याद रखना. अगर आप देखिए तो अगला एग्जाम्पल पे लिख रहा है, क्या लिखा है? बाई बल्बिल्स लिखा है. ठीक है, बाई बल्बिल्स ब्रैकेट में नीचे एरो लगा के लिखा है फ्लेसी बड्स. अब बच्चा पार्टी, तुम्हें फिर एनसीईआरटी देखना. अगर आप एनसीईआरटी लिखा है, बताइए कोई कौन सा फिगर नंबर है ये? थर्ड नंबर का है. बल्बिल्स का एग्जाम्पल क्या है? आप देखिए, अगेव प्लांट है, ऑक्जेलिस प्लांट है और लिली. ऑक्जेलिस, अगेव और लिली. और लास्ट वाला बाइटूरियंस है, ये फ्लेसी बर्ड्स है, एक्वेटिक प्लांट्स में. पौधे का नाम यूट्रिकुलेरिया है. किसी ने यूट्रिकुलेरिया कभी सुना है आप लोगों ने? यूट्रिकुलेरिया जानते होंगे, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट है. और तीसरा जो है वो प्रोटेमोजीटम है, इसी का एग्जाम्पल. आप मोटा मोटा एक बार ओवरव्यू ले लें, क्लियर हो जाएगा. ओवरव्यू है इसका कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हायर प्लांट्स में कहते हैं. मैंने पांच टाइप आपको पढ़ाए हैं. पहला बाय रूट पढ़ाया है, दूसरा बाय क्रीपिंग स्टेम्स पढ़ाया है, तीसरा बाय अंडरग्राउंड स्टेम्स पढ़ाया है, चौथा बाय एरियल शूट्स पढ़ाया है, पांचवा बाय लीव्स पढ़ाया है, फिर बाय बल्बिल्स पढ़ाया है और बाय टूरियंस पढ़ाया है. तो टोटल एग्जाम्पल 4, 2, 6, 7 हो गए. बाय एरियल शूट, बाय लीव, बाय बल्बिल, बाय टूरियंस, ये अलग है, जबकि स्टेम का एक अलग पार्ट है और रूट का एक अलग. तो बाय रूट पहला हो गया. बाय रूट में दो एग्जाम्पल हो गए, क्लियर कर लेते हैं. बाय रूट में पहला टैप रूट, एडवेंशियस रूट. टैप रूट का एग्जाम्पल भूल गए, डेलबर्गिया सिस्टो. बोलो भाई सर, डेलबर्गिया सिस्टो ना. एडवेंशियस रूट का एग्जाम्पल डेलबर्गिया बनाना और टर्मिक. तीसरा पढ़ा था बाई बल्बिल, बल्ब एंड गार्लिक. बाई बल्ब था, बाई बल्ब कौन? गार्लिक, ओनियन एंड गार्लिक. ओनियन एंड गार्लिक. बाई कॉर्न, आई कॉर्न कोलकेसिया और फ्रिसिया. कोलकेसिया और फ्रिसिया. फिर ये कौन सा स्टेम था? अंडरग्राउंड. यस. फिर पढ़ाया था बाई क्रीपिंग स्टेम. उसके एग्जांपल कितने पढ़ाए? 4 ना भाई? क्रीपिंग स्टेम के एग्जांपल कितने पढ़ाए? 4 ना. तो बाई ऑफसेट का एग्जांपल, बाई ऑफसेट का
Ecornia, bolo. Ecornia. Ecornia. Yeah. Ecornia. Yeah. Ecornia. Yeah. Ecornia. 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 By stolons. By stolons. So by stolons का example कौन है? Strawberry. Strawberry. Good. और? By sugar. By sugar. By sugar. कौन example है इसका? Pineapple. 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 और कोई example चौथा? एक और छोटा उसमें? इसका एग्जांपल बताइए एरियल सूट का एग्जांपल शुगर केन बाय लीव्स का एग्जांपल ब्रैसिलम बाय बल्बस का एग्जांपल प्लांट बाय ड्यूरियन का एग्जांपल केन और दिस इज लीव अब आइए आपकी एनसीईआरटी क्लियर कीजिए मैं दिखूंगा कैसे देखो भाई एनसीईआरटी एक बार क्लियर लो तब तक गुरुजी आ जाएंगे फटाफट मेरा भी देखो ठीक है एनसीईआरटी बोलो क्यों बार रही है सर ये पहला एग्जांपल एनसीईआरटी प्रोटॉन्स एग्जांपल है दिख रहे हैं सर एक मिनट दिख रहा है ये क्यूबर अभी नहीं यस सर अभी नहीं दिख रहा है सर उधर के अराउंड इसमें किस टाइम बताओ अराउंड इसमें नहीं है नहीं हाँ दिख रहा है दिख रहा है ये पांच एग्जांपल लास्ट किया है मैं करिएगा आप कल पढ़ के ना देखिए एक बार आप पांचों एग्जांपल क्या ये गाइस यार पांच एग्जांपल दिए उसका दिया है आपका दिया ट्यूबर या उसका दिया राइजोम का दिया है बल्बस का दिया लीफ का दिया है ऑफसेट का दिया ना पांच एग्जांपल आप पढ़ेंगे आप भी आ गए हैं तो सर को मैं क्लास दे रहा हूं कल जब आप मिलेंगे तो अगले टॉपिक से और इसका रिवीजन ना तो कल आप रिवाइज करके आएंगे ना यस सर एक बार आप देखिए आप जो मैंने शेयर किया था सबके पास पहुंच गया यस यस सर अच्छा उसको शेयर कर लीजिए ज्यादा अच्छा तरीका लिखवाना ज्यादा अच्छा तरीका है दिखाना ज्यादा अच्छा है लिखाना ज्यादा अच्छा तरीका दोनों मिलाकर स्क्रीन पे दिखाना है स्क्रीन वाला ज्यादा सही लग रहा मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल भी लग रहा है सर स्क्रीन सही है सर यस सर स्क्रीन सर सही है लेकिन इसको एक बार से रिवाइज करना बस लगे नोट करेंगे तो रिवाइज भी हो जाएगा हां यार सुनाई नहीं पड़ी दिक्कत होती है इसमें ये ज्यादा सही अभी नए नए टेक हम रोज डेवलप कर रहे हैं कुछ ना कुछ और टेक्निक डेवलप करेंगे हां अब धीरे-धीरे इसी में हम लोग सेट हो जाएंगे ना देखना इसी से हम लोगों को ठीक है यस यस सर आ गए उनको गोश्त बना दे रहा हूं कहां से गोश्त बनेगा ये अच्छा हां बस ठीक है एक मिनट ठीक गया हूं दीवान गोस्वामी मेक होस्ट हो गए ना सर जी 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 ठीक है सर देखिए आइए सर बच्चे इंतजार कर रहे हैं जी सर जी जी आपके बच्चे इनको पढ़ाई रहे मुरझाएंगे को न जाए कार्य जमीन गुड मॉर्निंग तो कहाँ पे थे शायद आप लोगों को क्वेश्चन दिए भी थे हम सॉल्व करने को yes, sir. Yes, sir. ये आप लोगों ने एक क्वेश्चन दिया था हमने फाइंड आउट मोलरिटी ऑफ 1 लीटर 93% वेट बाय वेट H2SO4 और डेंसिटी दिया था 1.84 ग्राम पर ml आया किसी का आंसर लेकिन आंसर कितना आ रहा है 93/98 कितना आ रहा है 90/98 फाइनल आंसर बताइए
सर पहले कहा है 17.46 वाले करते हैं बहुत बढ़िया 17.17 ना यस सर 17 हां 17 17.46 दूसरे का यस सर और दूसरे का 0.5 यानी 1/2 है ना यस सर 1/2 बहुत बढ़िया चलिए तो इसको समझाना है कोई डाउट है कि आगे बढ़े आगे बढ़िए सर एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन आपने किया मोलरिटी फाइंड आउट करने वाला जिसमें परसेंटेज बाय वेट दिया था उसमें करना कुछ नहीं है मोलरिटी होता है मोल अपॉन वॉल्यूम है ना और मोल होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट तो यहाँ पे 93% वेट बाय वेट का मतलब है कि 93 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन है ना हाँ तो 93 को डिवाइड कर देंगे 98 से तो मोल बन जाएगा अच्छा 100 ग्राम सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन का मास दिया है और सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया है तो वहां से वॉल्यूम आ जाएगा सॉल्यूशन का है ना डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम अब एक बार वॉल्यूम आएगा गौर ये करना है कि ये वॉल्यूम ml में आएगा तो उस ml को हम किस में कन्वर्ट करेंगे लीटर में लीटर में हाँ और लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर 1000 चला जाएगा तो आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 17.46 इसी को हम एक रिजल्ट बना लेते हैं एक फॉर्मूला के फॉर्म में बना लेते हैं तो इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए दिख रहा है सबको yes, sir. इसको नोट में उसी को लिखा हूं अगर आप पढ़ पाओ तो मैंने लिखा है लेट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बी d ग्राम पर ml पर कॉमा करके है इट कंटेन्स x परसेंट सॉल्यूट बाय मास अब x परसेंट सॉल्यूट बाय मास का मतलब क्या हुआ x ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन नोट कर लीजिए साइड में मैंने वॉल्यूम फाइंड आउट भी किया है मास अपॉन डेंसिटी दिख रहा है उसको भी नोट कर लीजिए तो वॉल्यूम आएगा 100 अपॉन डी एमएल में आएगा ऊपर 1000 जाएगा और कीजिए ऊपर 10 बचेगा हो गया yes, sir. ठीक है तो फाइनल रिजल्ट एक बार बोल दीजिए मोलैरिटी इज इक्वल टू x into d into 10 upon molecular weight यहाँ x क्या है तो percentage by weight अब आप इस relation में उस question को आप जैसे ही उसके values को put करेंगे तो molarity आ जाएगा 17.46 है ना चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ और questions करते लिखेंगे आज questions करने हमें जितना भी पढ़ा है सबको apply करना है question लिखेंगे देखें फाइंड परसेंटेज बाय मास
and mass fraction. And mass fraction. Mass fraction of aspirin. Naam suna aspirin ka? Yes, sir. Aspirin ek analgesic hota hai, tablet hai. Hana, mass fraction of aspirin in a solution prepared by dissolving 3.65 gram of aspirin in 25.08 gram water. 3.65 gram aspirin in 25.08 gram water. वर्क करिए इसमें दो चीज पूछ रहा है परसेंटेज बाय मास और मास फ्रैक्शन किसका एस्पिरिन का और एस्पिरिन कितना है 3.65 ग्राम और कितने वाटर में डिसॉल्व किया है 25.08 ग्राम याद है आपको हमने मोल फ्रैक्शन बताया था मोल फ्रैक्शन क्या होता है मोल अपॉन टोटल मोल तो मास फ्रैक्शन क्या होगा तो सर जिसका मास फ्रैक्शन बता रहे हो उसका मास बटा टोटल मास यही होगा ना हाँ मास फ्रैक्शन का मतलब हुआ कि जिसका मास फ्रैक्शन हम बता रहे हैं उसका मास बटा टोटल मास करिए एक बार कोशिश करिए मोल फ्रैक्शन 12.07 मोल फ्रैक्शन पूछ ही नहीं रहा आपसे दो चीज पूछ रहा है परसेंटेज बाय मास एंड मास फ्रैक्शन मास फ्रैक्शन बताना है और परसेंटेज बाय मास बताना है परसेंटेज बाय मास का ही बोल लो परसेंटेज बाय मास कितना आ रहा है 12.7 करेक्ट 12.7 ये है मास परसेंटेज अब मास फ्रैक्शन बता दीजिए मास फ्रैक्शन फ्रैक्शन कितने में बताते हैं वन में यस सर तो सौ में आपने बता दिया 12.7 तो वन में नहीं बता देंगे बता लेंगे सर हाँ बताइए कितना आ रहा मास फ्रैक्शन एकदम सही देखिए मास फ्रैक्शन होगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट जिसको आप मास ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हो है कि नहीं हो जाएगा हाँ तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन से मास फ्रैक्शन आ जाएगा और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मास परसेंट दे देगा ठीक है यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा अ सॉल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 125 centimeter cube of isopropyl alcohol to water by adding 125 centimeter cube of isopropyl alcohol to water until the volume of solution was 175 centimeter cube until the volume of solution was 175 centimeter cube find volume fraction
and volume percent. Find volume fraction and volume percent of alcohol in solution. Find volume fraction and volume percent of alcohol in solution. पिछली बार मास फ्रैक्शन और मास परसेंटेज पूछा था, इस बार वॉल्यूम फ्रैक्शन और वॉल्यूम परसेंटेज पूछा है. गौर करिएगा, हमने आपको तीन बताया था, बाय वेट, बाय वॉल्यूम और वेट बाय वॉल्यूम. ये बाय वॉल्यूम है सर. वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज कितना आ रहा है? 71.4 आ रहा है सबका? Yes, sir. 71.4 is the right answer. Or volume fraction? Zero point seven one four. Volume fraction kitna hoga? 0.714. ठीक है, और वॉल्यूम परसेंट होगा 71.4. यस सर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा. सबका आ रहा है? यस सर. यस सर. हाँ, वॉल्यूम फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और उसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वॉल्यूम परसेंट दे देगा. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, कैलक्यूलेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ. Calculate volume strength of H2O2. याद आ रहा है volume strength कल बताया था? Yes sir. Calculate volume. हाँ, calculate volume strength of H2O2 in 5 liter solution. In 5 liter solution, which yields. Yields, which yields 100 liter of O2, which yields 100 liter of O2 at NTP. At? NTP. NTP. Volume strength बताना है आपको H2O2 का. कह रहा है कि 5 liter solution से 100 liter O2 मिल रहा है NTP पे. 5 लीटर से, तो बताना उस H2O2 सॉल्यूशन का वॉल्यूम स्ट्रेंथ, मतलब x का वैल्यू बताना है आपको. वेपर हो गया है. सब लोग गए क्या? नहीं यार, कहाँ चले जाएंगे सब लोग? 83.45. याद कीजिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ का डेफिनेशन क्या था. पढ़े सब लोग डेफिनेशन पढ़े. वॉल्यूम ऑफ O2 गैस प्रोड्यूस्ड एट एनटीपी और एसटीपी ऑन डिकंपोजिशन ऑफ यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन. यानी यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन से कितना वॉल्यूम O2 का एनटीपी पे मिलेगा, यही ना, यूनिट वॉल्यूम से. तो आप देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 5 लीटर सॉल्यूशन से 100 लीटर O2 मिल रहा है एनटीपी पे.
तो 5 लीटर से 100 मिल रहा है, तो 1 लीटर से कितना यूनिट का मतलब 1 होता है, 1 से कितना लीटर मिलेगा 20, और वही 20 क्या कहलाएगा, उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम स्ट्रेंथ। नहीं समझ में आ रहा है तुम बोल रहे हैं? हम कह रहे हैं यूनिट वॉल्यूम से जितना लीटर ऑक्सीजन का मिलेगा वो उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहलाएगा। तो सर क्वेश्चन कह रहा है 5 लीटर से 100 लीटर मिल रहा है एनटीपी पे, तो 1 लीटर से 20, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। अच्छा गौर कीजिएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ को हम वी से शो करते हैं ना, कैपिटल वी, वॉल्यूम का जो वी है ना उसी से शो करते हैं, तो आंसर जाएगा 20V। आंसर क्या होगा 20, और ऐसे जनरल लिखना होगा तो लिखेंगे एक्स वी, है ना, और एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या है 20, तो आंसर क्या हो जाएगा 20V, है ना। यस सर, ध्यान रखिएगा वी से रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस जरूरी है, इसमें प्रैक्टिस रहेगा तो फिर कोई भी सारे क्वेश्चंस आपके डिफरेंट मेडिकल एंट्रेंस में आ रखे हैं। लिखेंगे व्हाट इज नॉर्मैलिटी ऑफ 2m, कैपिटल m, मोलरिटी वाला कैपिटल m, 2m H3PO2 सॉल्यूशन, नॉर्मैलिटी ऑफ 2m H3PO2 सॉल्यूशन, जल्दी से PO2, हाँ H3PO2 सॉल्यूशन, नॉर्मैलिटी पूछ रहा है, मोलरिटी दिया है, आप जानते हो रिलेशन, जल्दी से यूज कीजिए। क्या आ रहा है 6, 2 × 3, H3PO2 का n फैक्टर याद कीजिए, बताया था आपको जितना ऑक्सीजन उससे कम, यहाँ n फैक्टर का 1 होगा सर, आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, हाँ 2 × 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, 23 ग्राम इथेनॉल, इथेनॉल होता है C2H5OH, है ना, 23 ग्राम इथेनॉल इज डिसॉल्वड इन 36 ग्राम वाटर, इज डिसॉल्वड इन 36 ग्राम वाटर, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, आपको इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन बताना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा इथेनॉल का मोल बटा 0.2। आंसर 0 और 1 के बीच आएगा, ठीक है ना, हाँ ये आ रहा है, कितना आ रहा है, न्यूमरेटर हो गया होगा 1/2, और नीचे कितना आ रहा है 5/2, यस बोलो, तो 1/5 आ रहा है, यस सर, सबका आ रहा है 1/5, और 1/5 का मतलब कितना 0.2, यस और नो, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम्स, सबका आ गया, यस, बाकी लोग भी बोले, सब लोग इन्वॉल्व होइए, सबके सिलेबस में है ये, ठीक है ना, हाँ कोई यहाँ ऐसा नहीं बैठा है जिसके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट लिखेंगे, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HNO3 is required to prepare 400 ml solution of 0.2 m
capital M molarity wala of 0.2 m capital M HNO3 jaldi se kariye. ये कितना आ रहा है? HNO3 है, ध्यान रखना है. उसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कीजिए. 1 + 14 प्लस कितना हो जाएगा? 48. 1 + 4 + 3 लास्ट तक सॉल्व कीजिएगा सब लोग. कहीं पे गड़बड़ हो रहा है. ध्यान से करिए. 8 आएगा सर. ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है 5.04, दूसरा ऑप्शन है 5040, तीसरा है 25.2 और चौथा है 2.52. सॉल्व कीजिए जल्दी से. ग्राम पूछ रहा है. 0.2 by 10 W 5.04 कितना आ रहा है? 5.04 5.04 बाकी लोग भी कर ले. फोर पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, वो पांच पांच के आसपास है ना, और एक ही ऑप्शन है उस तरह का. 5.04 आ रहा है सबका? यस सर. मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है सबका? ये वाला मॉलिक्यूलर वेट बताइए. So 63. सॉल्व करेंगे. इनफैक्ट लास्ट में आया होगा 126/25. यस सर. और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये पांच के आसपास है, है ना? 4 point something आ रहा होगा, वो पांच है और एक ऑप्शन दिया 5.04. 5.04 इज द राइट आंसर, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे. इनफैक्ट 5.04 एग्जैक्ट आ रहा है. हाँ हाँ एग्जैक्ट आ रहा है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे. कैलकुलेट नॉर्मैलिटी ऑफ 2.1% और ब्रैकेट में वेट बाय वॉल्यूम, ब्रैकेट क्लोज. 2.1% weight by volume H2SO4 solution. ध्यान से करिएगा. Normality पूछ रहा है ना, capital N.
0.4. 0.4 is the right answer. बहुत बढ़िया. है ना, बस यहाँ पे समझना है वेट बाय वॉल्यूम का मतलब 2.1%. बाकी लोग भी कर लें. 0.428. सही है. एक्चुअल 2.1% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब हो गया 2.1 ग्राम इन 100 ml, है ना. बताया था आपको वेट हमेशा ग्राम में होगा और वॉल्यूम ml में. आ जाएगा सबका. आगे चले. यस सर. देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज मोलरिटी, कैपिटल एम की बात हो रही है. व्हाट इज मोलरिटी कैपिटल एम ऑफ 1N, नॉर्मेलिटी वाला कैपिटल एन. मोलरिटी ऑफ 1N कैपिटल एन है ना, नॉर्मेलिटी वाला H2SO4 सॉल्यूशन. इस बार मोलरिटी पूछ रहा है, नॉर्मेलिटी देंगे. पॉइंट फाइव आ जाएगा. पॉइंट फाइव. हाँ, इस बार आप देखो नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर. तो मोलैरिटी होगा नॉर्मेलिटी अपॉन एन फैक्टर, और यहाँ एन फैक्टर H2SO4 का कितना, टू है ना. नॉर्मेलिटी वन दिया है तो 1/2 यानी 0.5. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, हो जाना चाहिए सबसे, हो रहा है. यस सर. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलक्यूलेट कैलक्यूलेट मोलैलिटी, स्मॉल एम की बात हो रही है ना, मोलैलिटी स्मॉल एम. कैलक्यूलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग, ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 11.7 ग्राम NaCl in 500 gram water, obtained by dissolving 11.7 gram NaCl in 500 gram water. Molality batana, small m. कितना आ रहा है? 0.56. नहीं, करिए करिए ध्यान से. 500 ग्राम वाटर है. आया किसी का? 0.4. करेक्ट आंसर है 0.4. है ना, वो आपसे क्या पूछ रहा है, मोलैलिटी पूछ रहा है, स्मॉल एम पूछ रहा है. और मोलैलिटी होता है मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट. यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट लेकिन ग्राम में दिया तो ऊपर 1000 चला जाएगा, है ना. और बाकी मोल तो आप निकाल ही लोगे. वन क्या दिया है, 11.7 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट आया होगा 58.5. हालांकि आपको पता है, आपको पता है कि NaCl जो है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट बोलना चाहिए, फॉर्मूला वेट, फॉर्मूला वेट. लेकिन आप देख सकते हो मॉलिक्यूलर वेट बोल के भी काम हमारा हो जा रहा है ना. लेकिन करेक्ट है क्या, 0.28 आ रहा है. हाँ, फाइनल आंसर आ रहा है मोलैलिटी का 0.4. सर लेकिन वो एप्रोक्स होगा, 0.5 करेक्ट है. नहीं, ये जो आप करे होगे सॉल्व
11.7 अपॉन 58.5 यही क्यों होंगे ना मोल के लिए और मास ऑफ सॉल्वेंट आपने 500 ग्राम है तो ऊपर चला जाएगा 1000 यस सर सॉल्व करेंगे तो ये 0.4 आ रहा होगा 2/5 है ना चलिए नेक्स्ट लिखिएगा 20.6 ग्राम 20.6 ग्राम NaBr सोडियम ब्रोमाइड है ये NaBr is dissolved in 500 ml solution is dissolved in 500 ml solution what is molarity capital M what is molarity of resulting solution what is molarity capital M की बात हो रही है of resulting solution NaBr है sodium bromide bromine का atomic mass कितना लेंगे बता दे 17 होता है इसका atomic number आप ले लो bromine का atomic mass कितना ले रहे हैं 36 कितना ले रहे हैं ब्रोमीन का इसका 35 होता है ना 35 एटॉमिक नंबर 35 एटॉमिक नंबर होता है 70 ले लेते हैं 70 ले लेते हैं हाँ डबल कर दीजिए 70 लेके कर NaPr2 तो था यार NaBr है0.58 एक सेकंड हम भी देख ले 20.6 अपॉन 70 और ये सोडियम का कितना ले रहे हैं 23 यस हाँ तो 70 और 23 कितना हो गया 93 है ना 93 हो गया कितना आएगा देखते तो और ये 500 ml दिया है ऊपर जाएगा 1000 0.44 आएगा 0.4 आ रहा है हाँ आ रहा है हाँ तो ये आप सॉल्व करेंगे तो 0.4 के आसपास आ रहा होगा यस सर ठीक है अच्छा ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 79.23 चलिए ठीक है ब्रोमीन मेरे हिसाब से 80-80 होता है एटॉमिक मास हम लोग 70 ले रहे हैं ना एटॉमिक मास ब्रोमीन का ये मैं ध्यान नहीं आ रहा आप लोग एक बार पीरियोडिक टेबल में देख लेना कि 79 पॉइंट समथिंग होता है अभी देख के बताया सर एक मिनट एक कितना है ब्रोमीन देखिए तो एटॉमिक मास देख रहे हैं सर इसे हाँ 80 है सर 79.4 80 हाँ तो 79 लेके करिए इस क्वेश्चन को तब सही बनेगा ऊपर 20.6 है ना तो जब आप 79 लेंगे और 23 लेंगे 79 लेके करिए 62 ये 102 आ रहा है ऊपर 206 है और नीचे 0.40 0.40 आ रहा है ठीक है ये ज्यादा ठीक है 2 6 10 51 51 और 200 ठीक है आ रहा सबका 79 लेके करिए ना ब्रोमीन का एटॉमिक मास 102 आ रहा है और हाँ और ऊपर 206 है हाँ तो
वो बन जाएगा 103 और नीचे बन जाएगा 51 सो सॉल्व करेंगे तो नियर बाय ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन लिखिएगा यस सर लिखेंगे डेंसिटी ऑफ 2.03 m कैपिटल m 2.03 m aqueous solution of acetic acid is 1.017 gram per ml calculate molality small m ki baat ho rahi hai calculate molality of solution small m maine aapko molality aur molarity mein ek relation bataya tha yes sir हाँ मोलेलिटी पूछ रहा है और आपको मोलेलिटी बताना है डेंसिटी दिया है और मोलेरिटी दिया है करिए मोलेलिटी बताना है पेज पलट रहे हैं याद नहीं आप लोगों को नहीं सर एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानते ही होंगे हाँ सर कितना आ रहा है आंसर नहीं सर उसका करीब ऑप्शन नहीं है ऑप्शन है पहला है 2.27 1.27 3.27 4.27 एक बार और सर ऑप्शंस हैं 2.27 1.27 3.27 और 4.27 1, 2, 3, 4 सॉल्व करना होगा सर 3.27 कितना आ रहा है 3.27 आ रहा है और किसी का सर मेरा 2.15 दिया है इसको सॉल्व करना है अब तो कैलकुलेशन है कैलकुलेशन तो करना होगा कितना आ रहा है किया किसी ने
सब लोग गए कहाँ चले गए बीच बीच में सब कहाँ चले जाते हैं कोई नहीं है सर सब लोग चले गए यस कौन कौन गए अभी साल चले गए सर कुछ कितना आ रहा है आप लोग का एक सेकंड अभी कैलकुलेट कर रहे हैं चलें हाँ कैलकुलेट कर रहे हैं हम बता रहे हैं सर 2.27 2.27 आ रहा है 2.27 एक एक को सब बोलो सब सही हो जाएगा लगा 2.27 आ रहा है नहीं यस सर 2.27 इज द राइट आंसर तो मेरा 2.6 आ रहा है 2.27 आ रहा है अच्छा वो रिलेशन आप लोगों ने जहां पे लिखा है एक बार वहां जाना उसमें एक चीज बताना है आपने जो रिलेशन लिखा होगा उसमें न्यूमरेटर में होगा 1000 m है अपॉन 1000 d माइनस m इनटू m डब्ल्यू यस सर मान लीजिए कि डेंसिटी जो है डेंसिटी 1 के आसपास है तो वो जो वैल्यू होगा 1000 d का वो 1000 के आसपास होगा और 1000 में से कुछ माइनस हो रहा है तो वो वैल्यू 1000 से छोटा हो जाएगा जबकि ऊपर 1000 है अब आप बताओ ऊपर 1000 है और नीचे 1000 में से कुछ कम हो गया तो बताइए 1000 अपॉन समथिंग जो 1000 से कम है वैल्यू एक से बड़ा होगा कि नहीं yes, यानी कि वैल्यू एक से बड़ा होगा इसका मतलब सर कि जो स्मॉल m है वो कैपिटल m से बड़ा होगा यस यस क्लियर है ये पॉइंट सर हाँ अब आप देखो कैपिटल m क्वेश्चन में कितना दिया है 2.03 यानी जो हमारा जो आंसर है वो 2.03 से बड़ा होगा यस सर अब आप देखिए इसमें एक ऑप्शन है 1.27 ये तो कभी नहीं आंसर हो सकता है समझ में आ रहा है जो हम बोल रहे हैं स्मॉल m बड़ा होगा कैपिटल m से तो क्या कभी स्मॉल m का वैल्यू 1.27 आएगा नहीं सर या तो 1 होगा या तो 3 होगा या तो 4 होगा अब ये देखो आप कि 1000 में से वैल्यू कम तो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कम हो रहा है समझ रहे बात yes, इसीलिए जो आंसर है वो थोड़ा सा ही बड़ा होगा अब थोड़ा सा बड़ा कौन है 2.03 से थोड़ा सा बड़ा कौन है 2.27 बाकी 3.27 भी बड़ा है 4.27 भी बड़ा है बट वो ज्यादा बड़ा है तो इसीलिए हमारा आंसर क्या जाएगा 1.27 ये समझ में आया जो हम बता रहे हैं yes, ठीक है तो कभी अगर एग्जाम क्या क्या बोल रहे हैं मैं 2.27 करेक्ट आंसर इज 2.27 है ना हाँ एक लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे एक लास्ट क्वेश्चन लिखिए लास्ट क्वेश्चन बोले तो सब खुश हो गए या खत्म हो जाएगा लगता है आधे लोग चले गए आधे लोग चले गए कैलकुलेट मोल परसेंटेज ऑफ C3OH मोल परसेंटेज of CH3OH and H2O respectively in 60% 60 in 60% by mass
by mass aqueous solution of CH3OH. फिर से एक बार क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ. कैलक्यूलेट मोल परसेंटेज ऑफ CH3OH एंड H2O रेस्पेक्टिवली इन 60% बाय मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CH3OH. पर ये सॉल्व मोल परसेंटेज बताना है. मोल परसेंटेज होता है क्या होता है करिए. मोल परसेंटेज कैसे आएगा 60% बाय मास का मतलब समझिए. अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से करिएगा. ऑप्शन है आपका क्या आ रहा है. ऑप्शन से थोड़ा देखिए. मोल परसेंटेज बताना है. मीथेनॉल का कितना है मोल परसेंटेज सर एक बार ऑप्शन बताइए सर थोड़ा. हाँ ऑप्शन बता दें. पहला दिया है 45.8, 54.2. दूसरा है 54.2, 45.8. तीसरा है 50.50 और चौथा है 60.40. सर एक मिनट और सर करिए सॉल्व. मोल परसेंटेज बताना है ध्यान रखना है. ऑप्शन फर्स्ट आ रहा है सबका. अच्छा मोल परसेंटेज का मतलब हो गया मोल अपॉन टोटल मोल. तो जब आप मिथेनॉल का मोल परसेंटेज निकालेंगे तो मिथेनॉल का मोल बटा टोटल मोल. अब मिथेनॉल का कैसे मोल आएगा तो वो कह रहा है 60% बाय मास. इसका मतलब हुआ 60 ग्राम मिथेनॉल इन 100 ग्राम सॉल्यूशन. ये 60 अपॉन 32 किया होगा आपने और अपॉन में 60 अपॉन 32 प्लस अब वाटर का मोल कितना होगा. तो 100 ग्राम सॉल्यूशन है 60 ग्राम मिथेनॉल है तो 40 ग्राम क्या हुआ पानी. तो हो जाएगा 40 बटा 18 हो जाएगा. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपको और ये इसको इनटू 100 भी करना है क्योंकि ये मोल परसेंटेज है. तो जब आप ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 45.8 आ रहा है. यस सर. हाँ और दूसरा वाला सॉल्व नहीं करना है उसको 100 में से माइनस कर देना है.
तो जब आप 100 में से इतना माइनस करोगे तो वो क्या बन जाएगा, वो 54.2। कोई डाउट है तो बताइए। ये हमारा चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो गया आज, है ना, कंसेंट्रेशन टर्म्स। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे वेपर प्रेशर और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उससे आगे रॉल्स लॉ और ये सब। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई डाउट है, कहीं कोई डाउट है इतने क्वेश्चंस में तो आप एक बार पूछ सकते हैं, किसी को भी कोई डाउट है। अब आपका होमवर्क क्या है वो सुनिए। आपका होमवर्क ये है कि अभी तक जितना भी पढ़ाया हमने रिलेशंस, जो भी पहले दिन से, उसको आप अच्छे से एक बार देख लोगे सारा कुछ। कल जब हम क्लास शुरू करेंगे तो पहले 5 मिनट हम पूछेंगे सारा कुछ जितना अभी तक पढ़ाया है, ठीक है। और आपको जवाब देना होगा, और ऐसा नहीं कि चुप रहना है, सब लोग बोलेंगे, जिससे पूछेंगे वो बताएगा, और जवाब मिलेगा हमें तभी हम आगे फिर उसको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अभी कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में वो मोल परसेंटेज पूछ रहा है ना, तो मोल परसेंटेज कैसे आएगा, तो जिसका मोल परसेंटेज पूछ रहा है उसका मोल बटा टोटल मोल। याद कीजिए हम लोग मास फ्रैक्शन की बात किए, वॉल्यूम फ्रैक्शन की बात किए, मोल फ्रैक्शन की बात किए। तो मोल फ्रैक्शन अगर हम जानते हैं तो मोल फ्रैक्शन को मोल परसेंटेज में हम बदल सकते हैं, कैसे, 100 से मल्टीप्लाई करके। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका मोल फ्रैक्शन बताना है उसका मोल बटा टोटल मोल। तो मिथेनॉल का मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा, मिथेनॉल का मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा, तो मिथेनॉल का मोल बटा टोटल मोल। अब मिथेनॉल का मोल कैसे आएगा, तो मिथेनॉल का मास कितना है, तो आप देखिए क्वेश्चन कह रहा है 60% बाई मास। 60% बाई मास का मतलब क्या हो गया, 60 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 60 अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट, अपॉन में करेंगे तो टोटल मोल्स क्या होगा, तो मिथेनॉल का मोल प्लस वाटर का मोल। तो वाटर का मास कितना है, तो सॉल्यूशन 100 ग्राम है, 60 ग्राम मिथेनॉल है, तो 40 ग्राम वाटर होगा। जब आप वैल्यूज रखोगे तो ये मोल फ्रैक्शन देगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मोल परसेंटेज इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू 100। हाँ, अब देखिए कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं मीटिंग को, तो उनको क्या समझ में आएगा, नहीं? अपने मन से जाना, अपने मन से आना। चलिए नेक्स्ट क्लास में इसको फिर आगे बढ़ते, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, ओके, थैंक यू। बाय सर, बाय बाय बाय, थैंक यू।